एक्सेप्ट कर चुकी हैं सीमा, अब आप कौन होते हैं फिर रोकने वाले उनको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं नहीं रोक सकता, बिल्कुल नहीं रोक सकता। सही पॉइंट है, अच्छे सवाल है सर। जो भी है आगे बात जाएगी जी। नहीं लेकिन ये तो अभी इधर आके कह रहा है कि मैं अपने जो है ना ये करना चाह रहा हूँ, बच्चों को आपके साथ नहीं रहना चाहती। गुलाम हैदर जी, कुछ हो ही नहीं एक बेसिक सी चीज है, अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाहती आपकी पत्नी, नहीं समझा सकते तो फिर वो कानूनी पेचीदगियां सामने आएंगी, गलत है, कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, फिर कानून के जरिए ये बताएंगी वो की ज़हनियत नहीं है, बैंक हो गया। फिर अगर बात सुनो, ये बैंक हो गया, अभी मैं बैंक हूं उसके लिए, पूरी पूरा पूरा देश इस वक्त समझ ही नहीं रहे सर, मैम ये समझेंगे नहीं, आप बस कर दें। गुलाम हैदर जी, आपके परिवार से भी लोग आपको सुन रहे होंगे। गुलाम हैदर जी, आपके परिवार से जब आपकी शादी हुई तो आपके परिवार से भी लोग आपको देख रहे होंगे कि आप अपनी पत्नी के खिलाफ किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जब वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, अल्टीमेटली कानूनी पेचीदगियों में अटकेंगे, तो जब ज़हनियत नहीं है उनकी, वो तो साफ आपके सामने कह रही है उनकी ज़हनियत नहीं है आपके साथ रहने की, ये वो कह रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भारत जाके भी कह रहा है ना, भारत जाके भी कह रहा है, ये सोचे तो सही, इधर इधर आ नहीं सकता, कोई कानून है नहीं, जैसे मैं बोलूंगा वैसे होगा, ये तो अपने हिसाब से ये सोच रहा है, अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, गुलाम हैदर साहब, आपने ये फैसला कर लिया कि नहीं आप इजाजत नहीं देंगे, अपनी तरफ से इजाजत नहीं देंगे, अब आपके पास रास्ता क्या है? पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का कानून आपको क्या करने की इजाजत देता है? कैसे आप सीमा को वापस लाने की कोशिश करेंगे बताइए? जबरदस्ती रखने की इजाजत देगा एक पाकिस्तान का कानून? अब उनको बोलने दीजिए, जबरदस्ती इनको रख सकते हैं, बताइए। मैं जबरदस्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी देखा जाएगा। भारत मीडिया के थ्रू में भारत प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को कहना चाहता हूँ कि ये पूरी गाल जो है ना बात गलत है, इसको अलग से रखा जाए, जब तक हमारा केस चल रहा है ये अलग कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में होना चाहिए, किसी हेडक्वार्टर में होना चाहिए, जब तक फैसला आए इस बात को बाद में देखेंगे। हाल फिलहाल सीमा को पुलिस की कस्टडी में रखा जाए, मेरा आखिरी सवाल ये है कि ये पुलिस अलग कस्टडी में रखा जाए, ये कह रहे हैं, दिक्कत ये है कि शौहर कह रहे हैं, आपके शौहर कह रहे हैं सीमा जी, दिक्कत है कस्टडी में रखा जाए, जब तक फैसला नहीं आ जाए। मैम इनको तकलीफ हुई नहीं, कोई ना महरम नहीं, मेरे पति हैं। अरे अच्छा ठीक है, सचिन आपके पति हैं, आप ये पूरी तरह से मान चुकी हैं। सचिन से मेरा एक सवाल है। बिल्कुल सचिन, बिल्कुल सचिन आपसे मेरा एक सवाल है। जब सीमा ने इलीगल तरीके से हिंदुस्तान में दाखिला लिया, वो हिंदुस्तान आई, तब तो आप उन्हें रखने के लिए तैयार नहीं थे, आपके मन में बड़ा संदेह था, बड़ा डाउट था कि मैं अपने घर में नहीं रखूंगा, फिर ये कैसा हुआ, कैसे हुआ कि आप अब सीमा को घर में भी रखने के लिए तैयार हैं और उनके साथ जीने मरने की कस्में भी खा रहे हैं, कैसे हुआ? तो सर ये क्या कहते हैं, हम पुलिस की डर से थे कि पुलिस ये वहाँ की है, तो इस वजह से डर से थे, तो बच्चों के स्कूल बंद थे, तो हम कमरे पर किराए पर रहते थे, तो ये मुझसे कहती थी मैं कि बच्चों को पढ़ने जाना है, वो करना है, तो मैं इसी सिलसिले में वहाँ पर गया था, तो वकील के पास आधार कार्ड फादर कार्ड वो सिर्फ चीज़ बनवाने के लिए, तो वहाँ के वकील ने ही पुलिस को ये सब जानकारी करी। अच्छा। अब जब सबको पता ही चल गया, हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ये सब ये हम इतने वो होंगे, यानी कि ये सब बात होंगी, सचिन ये कभी भी नहीं सोचा था, ये अब भी जा रही है सर, छानबीन जा रही है। अच्छा मुझे सचिन ये बताइए, सीमा को अभी हम सुन रहे थे, सीमा की बातों को सुनकर ऐसा लगा कि बड़ी शिद्दत के साथ वो आपसे मोहब्बत करती हैं और बहुत भरोसे के साथ वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई। सर पहली बात तो सुनो, सर सुनो, सर सुनो, ताकत है सर सुनो, आप भी सीमा से क्या उतनी मोहब्बत करते हैं? जी सर, उससे भी ज्यादा करता हूँ मैं, सीमा से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं आप? हेलो जी जी, सुन रहे हैं हम, बोलिए, सुन रहे हैं हम जी सर, जी जी बोलिए, हम एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार हैं। मरने की बात ना कीजिए, अभी तो साथ जीने की बात हो रही है, अभी तो आप लोग जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, जिंदगी को खत्म करने की बात तो ना करें, ये किसी भी नजरिए से सही नहीं। पता चलेगा हुकूमत का, हमारा पाकिस्तान का भी हुकूमत जो एक्शन उठाएगा, भारत का भी उठाएगा, आप तो कहीं से भी बच नहीं सकते, किस हिसाब से भी, आपने जो मेरे बच्चों को दरबदर किया, मैं आपको छोड़ूंगा, है ना?
नहीं हैदर साहब, एक बहुत बहुत सुनो हैदर साहब, पाकिस्तान के ये बहुत मासूमियत के साथ ये कह रहे हैं कि हमने प्यार किया। ये इनको छुपाना चाह रहा, आपको ये स्वीकार होगा कि आपकी पत्नी किसी और से प्यार करती है? चलिए ये एक बेसिक सा सवाल बता दीजिए, आपको ये स्वीकार होगा कि आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती, वो किसी और से प्यार करती है? ये स्वीकार है आपको, एक्सेप्टेड है? भी रखें नहीं है एक्सेप्टेड, कभी भी मैं नहीं मानूंगा। सचिन आपसे सवाल ये भी है कि गुलाम हैदर जितना अपने बच्चों से प्यार करते हैं, आप वो प्यार वो मोहब्बत क्या सीमा के बच्चों को कभी दे पाएंगे? उससे कहीं ज्यादा। देखो क्या उससे कहीं ज्यादा सर, कहीं ज्यादा बिल्कुल अपने आप से, यानी कि अपने आप से ज्यादा ध्यान रखूंगा इनका मैं। तो सचिन आपको लगता है क्या अपने आप से ज्यादा ध्यान रखूंगा बच्चों के एजुकेशन में, स्कूल में दाखिला कराने में? जैसा कि सीमा जी कह रही थी पहले कि ज्यादा अच्छी एजुकेशन हिंदुस्तान में हो सकती है, पाकिस्तान में नहीं। क्या मैम? सीमा जी कुछ देर पहले कह रही थी कि एजुकेशन हम अच्छी देना चाहते हैं बच्चों को, जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती। अच्छा हाँ। तो आपको लगता है चुनौतियां आएंगी अब? उससे कहीं ज्यादा हम यहाँ पर देंगे मैम। हाँ आएंगी, पर उससे हम कोशिश करेंगे खूब, यानी कि अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। ठीक है, ये मोहब्बत में आपका जो जज्बा नजर आ रहा है, चिंता ना करें, मैं अपने आप से भी ज्यादा ध्यान इन बच्चों का रखूंगा। ठीक है, आप कह रहे हैं अपने से भी ज्यादा ध्यान आप बच्चों का रखेंगे, लेकिन सीमा आपको नहीं लगता कि गुलाम हैदर साहब जो बातें कह रहे हैं उनके भी इमोशंस का थोड़ा सा ध्यान रखा जाना चाहिए? क्योंकि कोई भी बाप अपने बच्चों को अपने से दूर जाता हुआ नहीं देख सकता, ये भी तो हकीकत है। तो इनके पहले दो बच्चे हैं सर, पहले दो बच्चे हैं तो उनसे प्यार कर ले, उनके साथ रह ले। मतलब आप आपकी दूसरी शादी, जो इन्होंने आपके साथ दूसरी शादी की क्या? जी मैं दूसरी पत्नी। गुलाम हैदर साहब सही है ये बात? जी जी हाँ, मेरी पहली घरवाली को भी इसने तलाक दिलवाया कि हम अच्छे से रहेंगे, इसको आप छोड़ो, वो मेरा एक बेटा है एक बेटी है, वो जब मैं खुद को नहीं दिलवा सकती तो किसी और को क्या कहां से दिलवाया। अच्छा यानी आप ये कह रहे हैं कि पहली बीवी को अपने सीमा से शादी करने के लिए दो बच्चों का ध्यान रखो? एक मिनट गुलाम हैदर साहब, आप ये कह रहे हैं नहीं कि सीमा से शादी करने के लिए आपने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दिया? नहीं, शादी के बाद भी शादी किया, 6 महीने रहने के बाद सीमा ने बोला कि बच्चों को तलाक दो, हम अच्छे से रहना चाहते हैं, कि आप ये मुझे कराची से जकमाबाद भी नहीं छोड़ रहा था, बोलता मेरे साथ रहो, आखिर इसने बोला कि इनको तलाक दो, इसी का ही कारण है सर। इसका वो भी जिम्मेवार सीमा है, मेरे बच्चों को घरवाली को तलाक दिलवाया और मेरे ना अम्मा को आने देता था ना अप्पा को भी, भाई मैं ठीक से रह रहा हूं, ठीक हमसे कोई चिंता नहीं है। सीमा जी कुछ कहना चाह रही हैं? सीमा जी मेरी बात सुनिए, सीमा जी यानी उन्होंने अपनी पहली बीवी को आपके लिए छोड़ दिया और आप उन्हें छोड़कर सचिन के साथ रहने के लिए आ गई? मेरे लिए नहीं सर जी, मेरे लिए नहीं छोड़ा। मेरी बात सुने, इनकी पहली पत्नी ने खुद इनसे तलाक ली थी, पहली बात। दूसरी बात, इनकी जो बेटी है बेचारी, वो बच्ची है, वो बिक चुकी है 2.5 लाख में। पूछे ये झूठ कह रही हूँ मैं, इनके पापा ने दी के ना दी पैसों से 2.5 लाख में, पूछे इनसे बच्ची को बेचा गया है ये, क्या मैं झूठ कह रही हूँ? इसे देने से होगा नहीं, 2.5 लाख कौन बेचता है, कौन बेचता है बच्चों को, बच्चों को कौन बेचता है? सीमा जब कह रहे हैं कि हैदर ने बच्चों को भेज दिया, रिश्ते के तौर पर नाम होता है, नाम ये कहते हैं कल बेचेंगे, झूठी बोल आरोप लगा रही हूँ। बाबू मैं व्यापारी नहीं हूँ, पापा यहाँ आरोप लगा रहे, बेटी का रिश्ता नहीं है, बात हो और आवाज से करो और सही करो, कह रहे हैं कल बोलूंगा, कल ऐसा बोलूंगा बच्चों को भी बेचता नहीं, कल ऐसा भी बोलेगा मेरे बच्चों को बेचता, इसलिए बेचेगा क्या? तुमने नहीं बेचा, तुम बोल रही हो ना, क्या कैसा बोलोगे, सिंह तो नहीं निकलेगा। अच्छा सीमा जी ये बताइए कि जब आपकी गुलाम हैदर से शादी हुई तो कितने सालों तक आपकी जिंदगी अच्छे से चली? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों का जो रिलेशन था वो खुशनुमा कब तक रहा, कब रिश्तों में दरार आनी शुरू हुई? खुशनुमा सर, जब मेरी इनसे शादी हुई तो मैं जिंदा नहीं थी, क्योंकि जो मैं चाहती थी मुझे नहीं मिला। फिर जब मेरा बेटा हुआ तब मैं मुझे मतलब खुश में रहने लगी, जब मेरा पहला लड़का हुआ, कि मुझे लगा कि मुझे जीने की वजह मिल गई। लव मैरिज नहीं था, मजबूरी की शादी थी।
जबरदस्ती अगर कोर्ट में साइन वाली शादी है तो ये लव मैरिज नहीं है, लव मैरिज नहीं। तुम खाओ, तुम्हारे तुमसे शादी कर रही मैं, लव मैरिज नहीं था। ये चार बच्चे ऐसे ही आए, हम बस सीमा भी आपको मैं क्या बोलूं, आप कब तक झूठ बोलोगे? कानून के गिरफ्त में आ चुका है, तुम बोलो पूरी तरीके से फंस चुका है। मैं झूठ नहीं बोल रही, याद करना। ओके आ गए, सच हो गए। हाँ ठीक है, हिंदू मुस्लिम भाई हो कोई भी हो, बिल्कुल होता है, पूरा फंस चुका है, पूरा फंस चुका है तुम। हाँ बिल्कुल, कभी भी, बिल्कुल ठीक है तुम्हारे कहने से। ओके होता है, हिंदुस्तान हो पाकिस्तान हो, जी जी। अच्छा एक तो हम कोशिश आपसे दोनों से अपील करेंगे कि आप दोनों ही एक दूसरे को सुन सकते हैं, तो एक बार में ही अपनी बात रखिए ताकि आप एक दूसरे से बात भी कर सके और जो दर्शक आप लोगों को सुन रहे हैं वो सलीके से आप दोनों की बात को सुन सके। ठीक है गुलाम साहब, एक एक करके गुलाम जी एक मिनट। हाँ सीमा आप अपनी बात कहें, गुलाम साहब फिर आपकी बारी। ठीक है सीमा कहें। मैम जब हैदर ने अपनी पहली बीवी को तलाक दी, चलो मानते हैं थोड़ी देर के लिए मेरे कहने से, इनको बोलने का मत कहिएगा, दी तलाक ना और अपने बच्चे अपने मम्मी पापा के पास रखे ना, तो जब उन बच्चों का फ्यूचर नहीं सोच रहे, उन बच्चों का भविष्य नहीं सोच रहे, तो मेरे बच्चों का भविष्य क्यों सोच रहे? क्योंकि मैं इंडिया और हिंदू से शादी कर बैठी हूँ, इसलिए वो भी तो दो बच्चे इन्हीं के हैं ना, उनकी माँ भी चली गई, तो उन बच्चों का ध्यान नहीं रख रहे, तो मेरे बच्चों का ध्यान कैसे रखेंगे? मतलब इसलिए कह रहे हैं, ये आपको फंसा रहे हैं, मुझे फंसा इसलिए क्योंकि मैं सचिन से शादी कर चुकी हूँ, हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ, इसलिए। तो सीमा आप ये कह रही हैं कि इज्जत पे बात आ गई, साथ जो बच्चे आए हैं इसके अलावा गुलाम के दो और बच्चे हैं, बच्चों को संभाले। सीमा आप ये कह रही, दो बच्चे हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल, बीच में नहीं लेके आओ, इनके मम्मी पापा के दादा दादी के पास रह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का नाम नहीं लो आप, लो सिर्फ अपने पे बात लेके। मैं तुम्हारे साथ हैदर, एक बात की हजार बात, इनको नहीं इकट्ठे करो आप। हाँ मैं तुमसे कह रही हूँ, मैं तुम्हें कानूनी डिवोर्स दूंगी। अरे मैया, ठीक है हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, इसलिए कह रहे हैं। सवाल जो है वो आपको लेकर पूछे जा रहे हैं और मैं चाहूंगी कि आप चूंकि दर्शकों के बीच है तो आप इन सवालों का भी जवाब दें। आपको लेकर ये सवाल पूछे जा रहे हैं, आप पर जासूसी के भी आरोप लगाए जा रहे हैं, आपके पास ऐसे क्या सबूत है कोई? ये जो तमाम आरोप आप पर लग रहे हैं उसका आप क्या जवाब देना चाहेंगी कि आप जासूस है नहीं है? जासूस नहीं मैम, नहीं मैम, मैं मतलब नॉर्मल थी, मिडिल क्लास फैमिली हूँ से बिलोंग करती हूँ, कि मैं ज़्यादा हाई फाई नहीं, ना मैं इतनी मेरी एजुकेशन है इतनी, ना हम कभी ऐसे घर से बाहर निकलते हैं क्योंकि ऐसे लोग हमें आज़ादी की ज़िंदगी जीने नहीं देते, क्योंकि ये नहीं थे तो थोड़ा बहुत मैं सुकून से रह रही थी। जब तक ये थे तो हमारे मोहल्ले में भी ये था कि चिल्लाने और चीखने की आवाज़ आती थी क्योंकि ये मुझे मारते थे। हमारी लड़ाई हफ्ते में एक दिन लड़ाई हमारी ज़रूर होती थी, मार पिटाई होती थी हमारी, और इनके साथ मैं नहीं रहना चाहती। और हैदर से भी रिक्वेस्ट है, भले चिल्लाएं, ये ज़बरदस्ती मुझे नहीं रख सकते, मैं हैदर से भी रिक्वेस्ट करती हूं, मारपीट भी होती थी कभी, आपने उनको बड़ी आला तालीम दे। कभी आपने गुलाम हैदर के खिलाफ कहीं शिकायत की जब आपके साथ ये हिंसा करते थे, मारपीट करते थे? नहीं मैं सर, वह नहीं की जा सकती, इनको नहीं की जा सकती, वहाँ पे नहीं की जा सकती। मैं इनसे एक महीना दूर रही, तलाक के लिए बहुत करा पर उन्होंने मुझे तलाक नहीं दिया। तो तुम्हारे कहने से होगा, तुम कहोगे तो ये है तो वो होगा। तो गुलाम हैदर आप मारपीट करते थे? नहीं भी होगा, फिर भी मैं अब कह रही हूँ बिल्कुल करते थे। आप कानून के गिरफ्त में आ चुके हो, ये सारे सबूत बेबुनियाद हैं। ओके बाबा फंस चुके हैं, ओके ओके, और बताओ पागल हो गया, दिमाग खराब कर दिया। आप सोचा मैं हैदर का ना होने का फायदा होता हूँ, बच्चों को लेके मैं चला जाऊंगा, किसी को इल्म ही नहीं रहेगा, इल्म ही नहीं रहेगा। सीमा देखिए मैं आपको फिर से कह रही हूँ, एक बार फिर से आप दोनों से अपील करूंगी कि एक बार में अपनी बात कहे। मैं सीमा आपसे सवाल कर रही थी और मैं चाहूंगी आप पहले उसी का जवाब दें, फिर हम तमाम सवालों का जवाब लेंगे। और आप अपनी बात कह भी रही थी कि आप पर जो आप जब यहाँ आई तो सबसे पहले सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए कि कैसे इतना सब कुछ हो गया और हमें पता तक नहीं चला, आप पर जासूसी के तमाम आरोप लगने लगे कि आप पाकिस्तान की कहीं एजेंट तो नहीं है जो भारत में इस तरीके से दाखिल हो गए जी, तो उसको लेकर क्या आपके पास सबूत है? क्योंकि आप पर आरोप बहुत संगीन लगाए गए। यस मैम, लगाया गया आरोप और ये मेरी जाजूस भी चल रही है, मेरे पास सारी चीजें हैं, सब पासपोर्ट हैं, सब कुछ है, हम दोनों की भी जो हम दोनों बात कर चीत करते थे वो चीजें हैं और कॉल हिस्ट्री निकाली गई, मैंने अपने फोन नंबर सारे इनको दे दिए हैं
और जो चीज़ें नहीं भी हैं वो भी सामने आ जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इनकी प्यार में आई हूँ और यही हकीकत है, और मुझे लगता है और यकीन भी है कि यही हकीकत सामने आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात हैदर की मैम, तो हैदर से मैं रिक्वेस्ट फिर से करूँगी कि अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, अपने उन दो बच्चों के फ्यूचर सोचें, मेरे चार का मत सोचें, उन दो का फ्यूचर सोचें। मेरे चार का सचिन ने फ्यूचर सोच रखा है, हमने सोच रखा है मिलके अपने वो दो बच्चे संभाले। हाँ, हैदर ने कई बार मुझे किसी शादी के लिए भी कहा, पूछे हो गया, शर्म में डूब मरने का मकान है, शर्म से डूब मरने का मकान है, मेरे चार बच्चे क्या कह रहे हैं जी, ये सजन के हो गए। इसके कहने से कोई कोई हिंदुस्तान का हुकूमत मुझे बताए, कोई भी किसी मुल्क का कानून मुझे बताए कि ये सजन के हो सकते हैं, तो हम मैं इस बात पे फिर गौर करूंगा। कोई भी सकते हैं, क्योंकि मैं राजी हूं, मैं एग्री हूं, हो सकते हैं, मतलब में कोई भी हो सकता है तो बताएं ये कानून। नहीं सीमा, एक चीज बताइए, क्या आपको इस बात का कहीं भी अभी डर है क्या कि पाकिस्तान वापस ना जाना पड़े? मतलब ऐसा कहीं दिमाग में है? ये तो दावा कर रहे हैं गुलाम की पाकिस्तान वापस आएंगे। ये चाल चलेगा, मेरे कभी भी नहीं जाऊंगी, ना मुझे डर भी है। हाँ, ये पाकिस्तान से नई नई चाल चलेंगे मुझे पता है, तो चलने दें, मुझे भरोसा है कि मैं ऐसा कोई गलत काम मैंने नहीं करा। और रही बात, कभी भी नहीं आऊंगी। पाकिस्तानी का, पाकिस्तान का भी कानून यह है कि 18 साल से बड़ी लड़की अपना फैसला ले सकती है, और मैं अपना फैसला ले चुकी हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। सीमा, ये बात हिंदुस्तान और पाकिस्तान की है, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है। हिंदुस्तान के जो नियम कायदे हैं, पाकिस्तान के जो नियम कायदे हैं, क्या उसके बारे में आपने बात की है? दे रहे हैं बिल्कुल सर, पाकिस्तान में नियम तो पता है मुझे, और वही मैं हैदर को बता रही हूँ, हैदर मुझे धमकी दे रहे हैं। हैदर एक मिनट के लिए चुप हो जाइए, आप एक मिनट के लिए चुप हो जाइए, आपसे जब कहूंगा तब बोलिएगा। हैदर एक मिनट के लिए चुप हो जाइए, आप जरा सीमा सीमा को सुनने, हमें सीमा को सुनने दें आप। गुलाम हैदर एक मिनट के लिए चुप हो जाइए, सीमा बोलिए। जी सर, क्या ये मुझे ज़बरदस्ती रखेंगे सर, जब मैं इनके साथ रहना नहीं चाहती? कोई भी कानून किसी को साथ ज़बरदस्ती रखेगा? जब मैं इनके ये सारी ज़िंदगी अगर मुझे ज़िंदा भी रखेगा, क्या ये मुझे सचिन के लिए मारपीट नहीं करेगा? जब फ़ोन पे अगर कोई गलती होती थी, कॉल कट जाती थी, मैं कहीं से दोस्त सहेली के घर चली जाती थी, इनसे पूछा मुझे कितना जलील करते थे, जब फ़ोन पे जलील कर, आज मैं हिंदू से शादी कर बैठी हूँ, हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ, क्या ये चीज़ मुझे छोड़ देंगे? मुझे एक पल के लिए भी ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे सर, सिर्फ पाकिस्तान ले जाने के लिए साजिश की जा रही है, और मैं कभी भी नहीं जाऊँगी, मरूंगी भी। पाकिस्तान जाने के मरने से अच्छा है मैं हिंदुस्तान में तो मर जाऊँ। मानती है कि पाकिस्तान जाना मतलब प्यार करते हैं, फिर से रिक्वेस्ट कर रही है पाकिस्तान में, आप ये कह रही? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, यहाँ वहाँ जहाँ हैदर का खानदान रहता है वहाँ कानून भी नहीं चलता, ठीक है? पाकिस्तान की आवाम को कह रही हूं, अब आपने सुना सीमा जो तमाम बातें कह रही है, उन्हें डर लगता है, वो वापस नहीं आना चाहती है, और आप भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि आप तलाक नहीं देंगे, आप जी, लेकिन वो जो अपनी बात कह रहे हैं आप उसे पूरी तरीके से डिनाई कर रहे हैं। नहीं देंगे तलाक, मैं इसको बुलाऊंगा अपने घर, अपने साथ ठीक से रखूंगा इसको, कोई कोई कुछ भी नहीं कहेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ सीमा को। आप मैं कभी भी नहीं आऊंगा, सब बातें ये जो तुमने किया, मैं कभी भी नहीं आऊंगा, कभी भी नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ, कभी भी नहीं, सोचो भी मत, नहीं लगाओ दिमाग से, भी निकाल दूंगी अपने साथ, जबरदस्ती रिश्ते नहीं करो। गुलाम, लेकिन एक चीज जो बार बार वो कह रही है कि उनकी जान को खतरा है, और आप जहाँ रहते हैं वहाँ कोई कानून काम नहीं करता है, भला अगर किसी को डर लगे तो वो वापस क्यों जाएगा? अपनी जान जोखिम में कोई क्यों डालेगा? सवाल यही है, अगर आपको कहीं जाने पे खतरा होगा तो आप क्यों जाएंगे? आपको कौन कहेगा कि आप वहाँ जाएं? गुलाम आना, इसको अभी जी, इसको अभी थोड़ा डर इसलिए लग रहा है कि मैंने गलत किया, मेरे साथ क्या होगा, वाकई गलत तो इसने किया, ये तो पूरी दुनिया और मीडिया सारा बता रहा है, कोई भी अच्छा काम तो इसने किया नहीं, इसलिए ये कह रहा है, और मैं इसको माफ करूंगा, अब मेरा घरवाली है, इसका मुस्तकबिल मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं इसको अपने साथ ठीक रखूंगा। सीमा, क्या भरोसा है, विश्वास है आपको ये जो कह रहे हैं कि सही से रखेंगे, ठीक से रखेंगे, गलत किया लेकिन माफ कर दूंगा, ये बातें कह रहे हैं सीमा? सर, मैं इनके साथ कभी भी नहीं रहना चाहती, मैं सचिन की पत्नी हूँ, मैं सचिन की पत्नी हूँ, मैं हिंदू धर्म में हूँ, मैं हैदर की पत्नी नहीं हूँ। कल जो मेरे साथ लाइव आए थे पाकिस्तानी, उन्होंने भी कहा था, उन्होंने भी, मैं नहीं रहना चाहती सर, आप इनकी, मैं नहीं, मेरी शुरू से लेकर अब तक यही बात है, मैं भारत में रहूंगी, भारत में ही रहेंगी, हिंदू धर्म अपना लिया, मेरी एक ही बात है। लेकिन गुलाम, क्या आप करेंगे? आप मान लीजिए आप तो बाहर हैं,
सीमा हिंदुस्तान के अंदर है, हिंदुस्तान की पुलिस है, हिंदुस्तान का कानून है, अब वहां बैठ के आप क्या करने वाले हैं? अदलिया तो है ना, हुकूमत तो है ना, मैं गरीब हूँ, मेरा कोई नहीं है, चलो एक बार मान भी लेते हैं, सीमा बच्चों को भी लेकर गया और मेरा घर भी बेच के गया, पैसे भी लेके गया, मैं गरीब हूँ, मेरा कोई ना सुने, अदलिया हुकूमत तो है ना, ठीक है, कोई आरोप मुझे लगा है, अदलिया से तो मुझे उम्मीद है ना, भारत से, पाकिस्तान से, दोनों हुकूमत, ठीक है सीमा, एक सवाल आपसे है मेरा, सीमा आपसे एक सवाल है, अब ये सवाल पूछा जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में कि आप सचिन की प्रेमिका हैं या जासूस हैं, क्या आप हमें कुछ ऐसी बात या कोई ऐसा सबूत बता सकती हैं जो ये साबित करता हो कि आप जासूस नहीं है, आप पे जो शक है वो गलत है, कोई ऐसा एविडेंस या कोई ऐसा सबूत है आपके पास? डेढ़ घंटा हो गया आप यहाँ पे खड़े, सबूत मतलब सर मेरे पास सब कुछ है, मेरे पासपोर्ट रियल है, सब कुछ हकीकत है, और जो मैं हूँ मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं ज़्यादा कोई हाई फाई फैमिली नहीं हूँ, ऊपर जो एजेंसी हैं वो फिर भी लगी हुई हैं, जो भी सच होगा सर सामने आएगा, मैं सिर्फ इनकी मोहब्बत में आई हूँ, इसके अलावा मेरा कोई नहीं था। और दूसरी बात कि ये कह रहे हैं 3 लाख 5 लाख 50 लाख, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मैंने अपने 10 लाख में, मेरा कहना है कि सिर्फ पासपोर्ट है या कुछ और भी आप बताना चाहेंगे जिससे ये साबित हो कि आप जासूस नहीं है, पासपोर्ट के अलावा और क्या बताना चाहेंगे? मेरा आईडी कार्ड है, मेरा आईडी कार्ड है, वैक्सीन कार्ड है, मेरे पापा के आईडी कार्ड की कॉपी है, मेरे बच्चों के जो सर्टिफिकेट हैं, जो पैदाइशी वो भी हैं, सब कुछ सारे कागज पूरे हैं सर। क्या आप एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स भी लेके आई हैं अपने? बाकी सिर्फ ये है, अपनी पढ़ाई लिखाई के भी सबूत लेके आई हैं? मैं पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं हूँ सर, मैं पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं हूँ सर, स्कूल हम नहीं गए, ट्यूशन में पढ़ी हूँ, सब 5 तक ही मतलब समझ में पढ़ी हूँ, ज्यादा आप पढ़ी लिखी नहीं, पांचवी तक पढ़ी हैं आप ये कह रही हैं? पांचवी भी नहीं है, कुछ भी नहीं, पांचवी का कोई है, पांचवी पढ़ा हुआ है, ये ऐसे ही देखते के। अच्छा चलिए ये सवाल मैं हैदर से भी पूछ लेता हूँ, हैदर क्या आप ये कंफर्म करेंगे कि सीमा पे जो जासूस होने की बात कही जा रही है वो गलत है, ये तो आप कंफर्म कर पाएंगे कि ये सही है गलत है, क्योंकि भारत में इस बात पे जांच चल रही है? सर जब मुझे ही पता नहीं था, सर जब मुझे ही पता नहीं था तो मैं कैसे बोलूं कि ये पता नहीं, नहीं, आप, कि आप तो अभी दावा कर रहे हैं कि आप तो सब कुछ जानते हैं, शुरू से जानते हैं। यहाँ हमारा घर है मलिर कैंट में, मेरा एक रिपोर्ट दर्ज करवाई, वो भी मैं मीडिया पे दिखाया है और भी दिखाऊंगा कि ये कहते हैं 2019 के संबंध में नहीं था, वो रिपोर्ट दर्ज करवाया कि सीमा इस दिन से घर से। आप चाहते हैं गुलाम किसी भी कीमत पर सीमा आपके पास वापस आ जाए, तो आपको कुछ तो पता होगा सीमा के बारे में कि सीमा जासूस है नहीं है, मेरे बच्चों का, यही तो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं ना कि जो उन पर आरोप लग रहे हैं कि वो जासूसी करने भारत आई है, आप क्या मानते हैं वो जासूस है या नहीं है? नहीं, मैं तो जासूस उसको नहीं कह सकता, यही हम पूछ रहे हैं। जी मैं तो जासूस उसको नहीं कह सकता। तो आप भी ये कह रहे हैं कि दिल में है वो, सीमा तो देखिए अल्लाह जाने, सीमा गुलाम भी कह रहे हैं कि आपको वो जासूस नहीं कह सकते, कम से कम एक कोई बात पे जिस पे दोनों लोग आप लोग अग्री हैं, ये पहली बात है सीमा जिस पे वो आपसे इत्तफाक रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सीमा जासूस नहीं है। सर मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ सर, मैं इनकी मोहब्बत में आई हूँ, यही हकीकत है, और एंड भी इसी बात पे ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इनके प्यार में आई हूँ और मैं सचिन की हूँ, सचिन की। सीमा अब आगे क्या करने वाली हैं? सीमा की आगे क्या करने वाली? सीमा जिंदा नहीं चाहती। सीमा अब ये सारी चीजें हो गई, आप जाना नहीं चाहती, आप यहाँ रहना चाहती हैं, सचिन आपके साथ हैं, अब आगे क्या करने वाली? आगे यही है कि यहाँ अगर जैसे नागरिकता मिल जाएगी, मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे, धूमधाम से हम शादी करेंगे, आज हम गंगा नहाने जा रहे थे, ना जा सके क्योंकि इतनी मीडिया घिरी हुई है मेरे ऊपर, चारों तरफ मीडिया ही मीडिया है, तो नहीं जा पाए, कल सुबह ही हम चले जाएंगे, गंगा नहाएंगे, धूमधाम से शादी करेंगे, और जब मैं हिंदू धर्म में आ गई हूँ तो पाकिस्तान की वो एक आदमी थे, वो लाए आए थे मेरे, वो भी कहते अगर आप मुसलमान हो तो हैदर की बीवी हो, अगर हिंदू धर्म में आ गए आपका तलाक समझो हो गया, क्योंकि हिंदू धर्म मैं आने के बाद निकाह नहीं माना जाता, तो मैं हैदर सचिन की ही पत्नी हूँ, हैदर से मेरा कोई हैदर क्या नहीं। इंडिया आने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं आप भी? फिर भी हैदर से मैं रिक्वेस्ट, हैदर क्या इंडिया आने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं आप सीमा से मिलने? जी सर मैं हर आला अदारों तक जाऊंगा, पाकिस्तान जी वजीर आजम को, वफा की वजीर है बिलाल साहब को, आसिफ अली जरदारी साहब को, और भारत की सरकार को, कि इस बात को गौर किया जाए,
नरेंद्र मोदी सरकार को और योगी सरकार को, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर दोनों को मैं अपील करता हूँ जोड़ के इस मामले गुलाम, इस मामले में आप सिर्फ अपील करेंगे या फिर आपका भारत आने का, पाकिस्तान वापस लौटने का कोई प्लान है? कैसे आप आगे बढ़ाएंगे इस मामले को? आप कह रहे हैं आप चाहते हैं सीमा आपके पास वापस आए। जी आज को देखेंगे कि क्या हो रहा है आगे। जी जी जैसे बात आएगी फिर आगे आप लोगों को हम शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक। सीमा यही सवाल आपसे कि अगर हैदर इंडिया आ गए आपके आमने सामने बैठकर बात करने के लिए फिर क्या करेंगी आप? आपका जवाब क्या होगा? तभी मैं इनसे तलाक, तभी तो तब तो और अच्छा होगा, मैं सामने बैठ के इनसे डिवोर्स ले लूंगी। अगर ये नहीं मान रहे कि डिवोर्स मुसलमानी डिवोर्स नहीं मान, भारत से भी आऊंगा उनको गुजारिश करूंगा। तुम किसी और की पत्नी को नहीं ले जा सकते बगैर उसकी मर्जी के, जब मेरी मर्जी है नहीं। सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है, कब तक, जब तक केस को जांच किया जा रहा है सीमा को अलग रखा जाए। ये मैं मोदी सरकार को, योगी सरकार को, दोनों को हाथ जोड़ के नहीं करता हूँ। जब तक ये केस नहीं, कभी भी नहीं, इनको अलग कभी भी नहीं। नहीं क्या तेरे कहने से होगा क्या? हुकूमत को कह रहा कहीं भी नहीं क्यों रखा जाए? मैं अपने पति के साथ खुश हूँ, कह रहा हूँ सीमा। सवाल बच्चों का भी है, बच्चों के ऊपर हैदर भी अपना हक बता रहे हैं। सीमा बच्चों के ऊपर हैदर भी अपना हक बता रहे हैं, कह रहे हैं कि बच्चों पर उनका भी हक है। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है जी। अगर मेरे बच्चे हैं इनके पास नहीं जाना, क्यों इनके दो बच्चे हैं उन पे हक क्यों नहीं जता रहा, उनके पास क्यों नहीं जा रहे, उनको क्यों नहीं पढ़ा रहे, उनको क्यों नहीं पैसे दे रहे? क्या ऐसे बाप होते हैं? बच्चों के पास जाए ना पहले तो, वो बच्चों के पास क्यों नहीं जा रहे? लेकिन अभी अभी जो बच्चे हैं उनका ध्यान नहीं रख सकता? अभी जो बच्चे हैं उन पर वो अपना हक बता रहे हैं कि वो बच्चे मेरे भी हैं। जब उन बच्चे, हाँ इनके भी हैं, पर बच्चे जब तक बड़े नहीं हो जाएंगे इनके पास नहीं जाएंगे। और ना ही बच्चा, हाँ बच्चे की मर्जी से पूछ लें, बच्चे अगर जाना चाहते मैं मना नहीं करूंगी बच्चे इनके पास जाएं, अगर बच्चे नहीं जाना चाहते तो जबरदस्ती कोई नहीं। नहीं आप ये कह रही हैं कि अगर बच्चे उनके साथ जाना चाहेंगे तो आप जाने देंगी? आप ये कह रही हैं? हाँ मैं जाने दूंगी बिल्कुल सर, अगर मेरे बच्चे मेरे बगैर रह सकते हैं, इनके साथ रहेंगे और ये ध्यान रखेंगे, खुश रखेंगे, तो मैं मना नहीं करूंगी, ले जाए बच्चे, पर मैं तब भी नहीं जाऊंगी। हैदर सुना आपने मुझे और लगता बच्चे है। दूसरी बात सर, जी, जी, बच्चे इनके साथ प्यार नहीं करते हैदर, बच्चों को लेकर आप प्यार नहीं करते। सीमा साफ कह रही है, जब माँ कह रहे हैं, माँ ने पट्टी पढ़ाया 2 महीने, ठीक है बच्चों का मैं कुछ भी बात नहीं करना चाहता, बच्चे बच्चे नासूम है, उनको ऊपर कोई जोर नहीं है कि हाँ उनमें क्या पता कि अभी हिंदू धर्म में मुस्लिम धर्म में ये मुझे बच्चों को मैं ना आऊंगा और गंगा लेके जाऊंगा, ये इसको बड़ा ये सजा होना चाहिए। नहीं हैदर आपको बच्चे अपने कैसे बोल सकता है ये? आपको अपने बच्चे गंगा ना आ सकता है ये? हैदर आपको अपने बच्चे चाहिए कि नहीं चाहिए? ये तो छोटे हमको ये पता भी नहीं है, हम हिंदू धर्म में हम मुस्लिम धर्म में है, ये बच्चे कैसे आप बताइए? नहीं वो बात सही है कि बच्चों को ये, आपकी बात सही है, लेकिन क्या आपको बच्चे चाहिए कि नहीं चाहिए बताइए? सीमा तो कह रही है कि अगर बच्चे जाएंगे तो अच्छी बात, अगर वो ध्यान से रखे तो ले जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। नहीं ये भी आएगी, बच्चे भी आएंगे, मैं तो सीमा मेरा घर वाली नहीं, कैसे छोड़ सकता हूँ? नहीं क्योंकि अब तक आप टीवी 9 से जब तक बात कर रहे थे आप इस बात को लेकर काफी ज्यादा दुखी थे, आहत थे कि मेरे बच्चों को ले गई सीमा और मुझे बताया तक नहीं, मुझे पता तक नहीं चला। अब सीमा ये कह रही है कि अगर बच्चे आपके साथ जाना चाहेंगे तो वो रोकेंगी नहीं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपका क्या रिएक्शन? नहीं रोकेंगे नहीं, बच्चे तो आएंगे ही आएंगे, सीमा भी आएगा, बच्चे तो आएंगे ही आएंगे, कोई भी कानून नहीं कह सकता कि बच्चे उनके साथ रहें, ये तो डेट क्लियर है, ये तो क्लियर बात है। बाकी सीमा भी आएगा जो, हाँ इसके कोई सजा है भारत सरकार से? अगर सीमा की जगह सजा मुझे दे, सीमा को आजाद, भारत सरकार का कानून भारत के लोगों पे ही लागू होता है हैदर साहब, सजा दे हैदर साहब, भारत का कानून भारत के लोगों पर लागू होता है, अभी सीमा की नागरिकता भारत की नहीं है। मैं तैयार हूँ, मैं आऊंगा, मैं जेल काटूंगा, बच्चों को बोलूंगा तुम जाओ पाकिस्तान, अगर इसको सजा हो रहा है सर आंख उठे इसको, हम भारत की सरकार का हर चीज मानते हैं, अगर इसको सजा है तो बच्चों को हमारे को सीमा करे, जब तक सीमा का सजा, सीमा आप सुन रही है वो कह रहे हैं कि भारत सरकार कानून के हिसाब से काम करे, आपके ऊपर भारत सरकार का अभी कानून लागू नहीं हुआ, कम से कम शादी ब्याह या तलाक के मामले में। Thank you.
तो फिर ये कैसे तय होगा? अगर मुझ पर कोई क्राइम होता है जी, ठीक है सर, ये इनकी चाल आप समझ नहीं, सिर्फ मुझे बुलाने के लिए सब कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे। दूसरी बात, अगर मुझ पर कोई होता है, अगर बच्चे इनके पास अभी भी देखें, इनको दिक्कत यही है कि मैं सचिन के साथ हूँ और ये सब हो रहा है, इनको इसी बात से दिक्कत है और किसी बात से दिक्कत नहीं है, आप समझ नहीं रहे। मैं समझ रही हूँ, मैं जानती हूँ। जब तक केस की सुनवाई नहीं आ रहा है, पुलिस की कस्टडी में होना चाहिए, जो सरकार बोलेगा हम मान लेंगे, पुलिस के कस्टडी में कम से कम होना चाहिए। केस क्लियर हो गया है, एक चीज रहती है बस, कन्फर्म होना रहता है। ठीक है, गुलाम हैदर आप अपनी बात कह रहे हैं, सीमा भी अपनी बात कह रही है। अभी तक की बातचीत में एक ही चीज निकली है, सीमा पाकिस्तान नहीं जाना चाहती और हैदर चाह रहे हैं कि सीमा बच्चों के साथ पाकिस्तान आए। अब देखना होगा इस पूरे मामले में आगे किस तरीके से, ठीक है, लेकिन वो तैयार नहीं है। देखिए कुल मिलाकर बात यही है कि वो अभी तैयार तो नहीं दिखाई दे रही हैं, नेशनल टीवी पे वो साफ कह रही हैं कि वो पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, सीमा हैदर सच्ची प्रेमिका या पाकिस्तान की जासूस, ये बहुत बड़ा सवाल है। और सीमा और सचिन की जो लव स्टोरी है, इससे जुड़ी एक एक डिटेल देश जानना चाहता है। और इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर पहला ऐसा मौका है जब सीमा हैदर हिंदुस्तान से और गुलाम हैदर सीमा के पाकिस्तानी पति, जो इस वक्त सऊदी अरब से हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों यानी पति पत्नी दोनों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन सीमा गुलाम हैदर को अपना पति मानने के लिए तैयार नहीं है। वो जिनके साथ बैठी हैं यानी सचिन, उनको अपना पति मान रही हैं। सीमा, अब आपका फैसला क्या होगा, क्योंकि गुलाम हैदर साहब ने आपने जो रिक्वेस्ट की कि वो इजाजत दे दें सचिन के साथ आपको अपनी बाकी की जिंदगी गुजारने की, तलाक दे दें, वो मानने के लिए तैयार नहीं है, अब आप क्या कहेंगे? तो क्या वो मुझे ज़बरदस्ती रखेंगे? मैं जब जाऊंगी नहीं, इनके साथ रहूंगी नहीं, क्या ये ज़बरदस्ती करेंगे? मैं औरत हूँ तो, मतलब महिला हूँ तो, ये मतलब अपने आदमी होने का जोर जमाएंगे? कानून पागल नहीं है ये? अभी भी यही सोच रहा है कि मैं जाऊंगा नहीं तो मुझे क्या करेगा? ये अभी भी यही सोच है, ऐसी बचपन की सोच है। आप सोचो, दिमाग के जोर लगाओ, हर बात को सोचिएगा, इलीगल तरीके से हिंदुस्तान में आई हैं और कल को खुदा ना खास्ता आपको अगर डिपोर्ट कर दिया जाता है पाकिस्तान, तो क्या होगा? कुछ हो जाए, बच्चों का पिक्चर। एक मिनट गुलाम हैदर साहब, गुलाम साहब एक मिनट जवाब। सीमा जी, मैं यहाँ मर जाऊंगी, खुद को मार दूंगी, पर पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। और अगर पाकिस्तान जाऊंगी भी तो हैदर ये बात सुन ले, कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं सचिन की पत्नी हूँ और इनकी पत्नी बन के रहूंगी। वो कह रही है कि आपके साथ वो रहना नहीं चाहती हैं, वो मेरे बच्चों का सचिन ध्यान रख लेगा, में अपनी शादी को आगे बढ़ाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्ती रख सकते हैं, गैर महर इनके पापा हैं, ये मेरे पति हैं। दो महीने में जैसे मैंने पूरी जिंदगी बच्चों के लिए लगाई, घर लेके दिया, इन्होंने घर बेच के आ गया, ये बैठे बैठे बच्चे मिल गए, सचिन उनका बाप बन गया। ये भारत इजाजत दे रहा है, भारत का सरकार इजाजत दे रहा है, कोई कानून की तहत कुछ बताओ तो सही, सिर्फ तुम्हारे कहने से ये होगा। अच्छा ठीक है, गुलाम हैदर साहब, मुझे जो है गुलाम हैदर साहब लेकिन सीमा ने अभी जो बात कही आपने सुना, वो कह रही है वो सचिन के साथ ही जिंदगी गुजारेंगी, वरना वो अपनी जिंदगी को खत्म कर लेंगी। मुझे लगता है अगर आपने चंद महीने के लिए, चंद पलों के लिए भी सीमा से प्यार किया है, तो आप तो ये नहीं चाहेंगे कि सीमा अपनी जिंदगी खत्म कर ले। जिंदगी खत्म नहीं करेगा, इसको डॉक्टर के हवाले जैनी मरीज बनाया गया है, इसको थोड़ा इलाज की जरूरत है और उसको डॉक्टरों से जानकारी मिलना चाहिए। आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं हैदर साहब, आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको इलाज की जरूरत है। अगर आपको क्या ये कबूल होगा कि आपकी पत्नी किसी और से प्रेम करती है, मोहब्बत करती है, और फिर भी आप उन्हें अपने साथ रखना चाहते हैं, क्योंकि इसीलिए कि वो डिवोर्स नहीं देना चाहते आप? जी बताइए सीमा जी, आप बताइए पहले। हाँ जी, आप बोलिए सीमा जी, बोलिए।
हाँ ये रखेंगे जबरदस्ती, क्योंकि इनका पॉइंट सिर्फ एक ही है कि मैं वापस जाऊं। ये क्यों नहीं मान रहे जब एक दो बंदे साथ नहीं रहना चाहते, खुश हम मैं इनके साथ खुश नहीं हूँ, सेफ नहीं हूँ, तो ये मुझे छोड़ क्यों नहीं रहे? अगर मुझसे प्यार कर रहे हैं तो मेरे चार बच्चे घर पूरा वो कह रहे हैं आपके साथ वो खुश नहीं है, बेटे बेटा है उसको क्या वो दो टूक कह रही हैं गुलाम हैदर साहब, वो दो टूक कह रही हैं सीमा जी कैसे बोले जा रहे नहीं है सुन रहे हैं, हिंदुस्तान में खुश है, हिंदू धर्म अपना नहीं खुश है ये कह रहे हैं वो, हिंदुस्तान में खुश है, हिंदुस्तान का सरकार भी ऐसे इजाजत नहीं देगा, कैसे खुश है? मैं जब मैं मालिक बैठा हूँ जीतता जागता सब सरकार देगी क्यों नहीं देगी? जब सुनिए अरे भाई गुलाम हैदर साहब सुनिए सुनिए, आप जिसको अपनी बीवी कह रहे हैं वो आपकी बात मानने को तैयार नहीं है, वो आपके साथ अपनी जिंदगी गुजारने को तैयार नहीं है, वो ये कह रही हैं कि अगर पाकिस्तान जाने की नौबत भी आई तो भी वो अपनी जान दे देंगी लेकिन रहेंगी तो सचिन के साथ रहेंगी। नहीं रह सकता इसके कहने से, रह सकता है इसने जो मेरे साथ किया, मेरा घर बेचा, मेरे बच्चों को लेकर गया, अभी ये कह रहा है कि सर, ये के कुछ भी कह सकता है, इलाज की इनको जरूरत है। ठीक है गुलाम हैदर जी, मैं आपको रोक रही हूँ और सीमा जी मैं चाहूंगी कि आप यहाँ पर रहें और गुलाम हमारे साथ सुनील पाल साहब जुड़ रहे हैं हास्य कलाकार, आपने नाम सुना होगा सीमा जी, क्योंकि आपकी जो प्रेम कहानी है, आपकी जो मोहब्बत की कहानी है, जो सीमा पार से हिंदुस्तान में दाखिल हुई है, वो मोहब्बत की कहानी कुछ कुछ गदर फिल्म की तरह मैच करती है, जो आपको पसंद भी है आपने कहा, तो सुनील पाल जी मैं आपके पास आ रही हूँ, आप कैसे रिएक्ट करेंगे इस कहानी को लेकर, ये जो मोहब्बत की कहानी है सीमा और सचिन की, जिसमें गुलाम हैदर नहीं चाहते सीमा को छोड़ना? भाई जैसे आपने कहा कि सीमा और सचिन, आपने बहुत अच्छा बहुत प्यारा नाम लिया आपने, देखिए क्या है जिसके अंदर सच इन हो, जिसके अंदर सच्चाई हो वो कोई भी सीमा लांग सकता है, जैसे जावेद साहब ने लिखा कि पंची नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्यार मोहब्बत के लिए जैसे गालिब साहब ने कहा था ये इश्क नहीं आशा जी, सीमा पार करके आ जाती है हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान, इसलिए ये कह सकती है इश्क नहीं आशा, मामला इश्क का है, प्यार मोहब्बत से ही से आगे बढ़ाया जाए, मुझे ऐसा उसमें कोई हैरानगी नहीं लगती है, हम सबको इनकी भावनाओं को समझना चाहिए जो कि मेरा वृद्ध वाक्य तो अच्छी बात है। सुनील पाल जी आपने सही कहा कि सरहदें जो है वो मोहब्बत को रोक नहीं सकती और सरहदें रोक भी नहीं पाई, लेकिन अब गुलाम हैदर साहब जो सऊदी अरब में बैठे हैं वो रोकना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं तुम मेरे पास आ जाओ वापस, फंसा है यहाँ पर मामला। अच्छा भाई मतलब ट्रायंगल लव स्टोरी है, ट्रायंगल है, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। जी 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 अभी सर मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती और अच्छा। इनकी ये मुझे कह रहे हैं इलाज के लिए, इलाज की इनको जरूरत है, जो इनकी बात करने का तरीका है मुझे नहीं लगता कि सही है। ठीक है सर मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती कि जबरदस्ती कोई रिश्ते चलते इस मामले में, तो मैं चाहूंगा कि जो मैडम है उनका मैं बच्ची हूं। उनकी भावनाओं को कदर करना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर जो चाहती है बिल्कुल अगर उनको पूरा अगर प्यार भी करते हैं तो उस प्यार की कसम। लेकिन सुनील पाल साहब आपने रिक्वेस्ट सीमा की तो सुन ली, लेकिन गुलाम हैदर साहब भी मौजूद हैं, उनकी भी भावनाएं हैं, उनके भी इमोशंस हैं, वो कह रहे हैं और वो पूरी तरह से सीमा के साथ हैं। अब गुलाम हैदर साहब तो मैं यही कहूंगा कि उनका प्यार जो है उनको सलाम है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपस में अगर बातचीत जम रही है तो इसको आगे बढ़ाया जाए, अगर अगर गड़बड़ लग रहा है तो मुझे लगता है कि गुलाम साहब को और सीमा जी को मिलकर एक फैसला करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए, ये मामला मोहब्बत का है और इश्क की जो जबान होती है वो प्यार की होती है हैदर साहब, इश्क की जबान प्यार की होती है, और अगर आप अपनी पत्नी को प्यार करने से रोक रहे हैं तो फिर वो बगावत करेंगी, वो आना ही नहीं चाहती हैं पाकिस्तान, वो आपके साथ रहना ही नहीं चाहती हैं, आप खुद भी पाकिस्तान में नहीं है तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? मैं इसलिए गया था बाजी, इनके लिए गया था ना कमाने के लिए, बच्चों के लिए, इनके फ्यूचर के लिए, और किस लिए गया था मैं? आप मेरी बात को सुनो और समझो, तो मैं गलत हूँ तो आप कह रहे हो किसके लिए मेरा कोई बिजनेस बाहर है, जो मेहनत मजदूरी करके सीमा के हाथ में सारा पैसा जा रहा था, उसने घर बसाया, घर लिया, हर चीज ओके था, डे क्लियर था, हम बहुत अच्छे से रह रहे थे, इसका मैंने ऑनलाइन एनआईसी बुलाया था कि ये सवाल तो आपको भी परेशान करता होगा कि आखिर मोहब्बत में कहां कमी रह गई? वही तो इसको पता होना चाहिए कि मैं 2 महीने या 3 महीने के लिए पूरा अपने शोहर को छोड़ के बच्चों का फ्यूचर पूरा खराब करके मैं लेके
इधर जा रहा हूँ, कल कुछ भी हो सकता है। आप खुद सोचिए, मैं कह रहा हूँ महिला सोचना चाहिए, एक महिला के सेंटिमेंट्स आप सोचिए हैदर साहब। एक महिला अपने बच्चों के साथ अपने बच्चों का पासपोर्ट लेके पहले नेपाल जाती है, फिर वो प्यार के खातिर, जैसा कि आपको वो बता रही हैं कि मेरी प्यार की कसम है आपको स्वीकार कर लेना चाहिए, प्यार के खातिर वो हिंदुस्तान में दाखिल होती हैं जी, तो वो अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करके उस लिहाज से ही आगे बढ़ रही हैं। आपको नहीं लगता आपको स्वीकार कर लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं सर, मुझे नहीं लगता, आप लोगों को भी नहीं लगता होगा। बिल्कुल, अगर इनके बदले की भावना है तो ये नहीं करेंगे। और एक बात वो सोचिए कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या गलत है। सिर्फ मेरे कहने से नहीं होगा, सिर्फ आप लोगों के कहने से नहीं होगा। सही बता रही है, हिंदू धर्म के भाई है, मुस्लिम है, हम दोनों के कहने से होगा। बात को गौर किया जाए, कौन मुस्लिम नहीं, गलत है। जी जी, वो इश्क को सही बता रही हैं। एक बार उनकी भी सुन लीजिए, ध्यान रखना चाहिए। एक बार उनकी भी गुलाम हैदर जी सुन लीजिए। सीमा जी इश्क को सही बता रही हैं, वो कह रही है मेरी लाइफ हिंदुस्तान में है। बिल्कुल जी, और मैं यहाँ खुश हूँ। मैं जब धर्म, मैं खुद कह रही हूँ मैं धर्म स्वीकार कर चुकी हूँ, तो हैदर जबरदस्ती कैसे कह सकते हैं? जब मैं प्यार के लिए इतना दूर भाई बहन छोड़ सकती हूँ, इतने दूर तक आ सकती हूँ, हैदर प्यार के लिए क्या हमें खुश रहने नहीं दे सकता? मैं प्यार के अपनी मोहब्बत पाने के लिए कहीं और जा सकता है? मेरे बच्चों का, मेरे भविष्य का, मेरे मेरे जिंदगी का, मेरे बच्चों का क्या होगा? हाँ, कल क्या होगा, इसका जिम्मेवारी कौन उठाएगा? अरे तुम्हारे बच्चे मेरे खुश रहेंगे, बच्चे खुश रहे, अगर बच्चे खुद कहें भाइयों को छोड़ रहे, ये बच्चों का फ्यूचर कौन संभालेगा, आगे कौन आएगा? गुलाम हैदर साहब, यही तो सीमा कह रही हैं। अगर बच्चों का हम तुमको लिख कर खुश हैं, सचिन के साथ खुश हैं, बच्चे खुश हैं, बच्चों की अच्छी परवरिश हिंदुस्तान में होगी, यही बातें वो कह रही हैं। क्या खुश है सर, आपको समझ में बात नहीं आ रहा है? 15,000 6,000 सैलरी बता रहे, 4 बच्चे इनका पढ़ाना, पूरा सुनो मेरी बात, 15,000 या 13,000 की बात नहीं है। ये कल आज मुझे कल इसको छोड़ के चला जाए, आप बच्चों की जिंदगी के बारे में सोचो कि बच्चों का क्या बनेगा सर। गुलाम हैदर साहब, थोड़ा सा आप तवज्जो दीजिए। गुलाम हैदर साहब, सीमा ने जो बातें कही है ना, उसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए और तवज्जो दीजिए उन पर, क्योंकि ये मौका शायद आपको दोबारा ना मिले। टीवी 9 भारत वर्ष पर इस वक्त सीमा और आप दोनों हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, दोनों एक दूसरे को सुन रहे हैं। अपने दिल की बात सीमा आपको बता चुकी हैं, बखूबी बता चुकी हैं। अब आपके फैसले का इंतजार है। आराम से सुन ले हैदर, हैदर से रिक्वेस्ट है, हैदर से रिक्वेस्ट है मेरी कि हमें रहने दे दे प्लीज प्लीज। इनका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पे, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे खुश रहने दो। अगर प्यार करते हो, कुछ भी करते हो, बिला वजह की बातें करके कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तुम और खुद को गिरा रहे हो मेरे आगे। अगर अच्छे बनना चाहते हो तो मुझे इनके साथ रहने दो, बच्चों की टेंशन मत करो। एक दिन तुम भी देखोगे, जब बच्चे हमारे बड़े होंगे और अच्छा नाम कमाएंगे, तुम भी एक दिन देखोगे, क्योंकि यहाँ से अच्छी सी पढ़ाई इनको कहीं और नहीं मिल सकती। और सचिन की बात रही, सचिन के कमाने की बात जी, तो सचिन पहले 13,000 कमाते थे, फ्यूचर में वो 13,000 नहीं कमाएंगे, हम मिलके कमाएंगे, हम मिलके करेंगे। और मुझे यकीन है यहाँ की सरकार और यहाँ के लोगों पे कि वो हमारी सपोर्ट करेंगे। गुलाम साहब, अब आपकी बारी है जी, बोलिए ना। सर मैं नहीं दे सकता, बिल्कुल बच्चों को जिंदगी का मसला है, उनको हिंदू में कन्वर्ट करना चाह रहा है, मैं कभी भी इजाजत नहीं दूंगा। ये कोई भी मीडिया वाले भाई हो, हजरात हो, साथी हो, बाजी हो, कोई भी आवाज मारा, पूरे दुनिया देख रहा है। लेकिन सवाल सीमा की खुशी का है, अपना घर को। गुलाम साहब, सवाल सीमा की खुशी का है, वो सीमा जिससे आप भी मोहब्बत करते हैं, आप खुद ये मान रहे हैं, तो मोहब्बत कुर्बानी मांग रही है सीमा, ये बात कह रही है। आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, अब सवाल सिर्फ इतना सा रह गया। जी जी, सिर्फ ये जी जी, इतना सा सवाल नहीं है, बच्चों की पूरी जिंदगी का मसला है सवाल। मोहब्बत के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं, असल बात तब शुरू होता है। इधर ना इसके बच्चे हैं, ऐसे कह रहे हैं कि बस मेरा बच्चों का हर चीज सही हो जाएगा, कौन सही करेगा? आप ये तो बताइए ना, यही सवाल पूछ रहे हैं। कौन सेट करेगा? गुलाम हैदर जी, आपने मसला उठाया। सीमा जी, गुलाम हैदर जी कह रहे हैं कि आपको जानबूझकर यानी डेलिबरेटली हिंदू धर्म अपनाने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, नहीं, आप नहीं, इस नहीं। पर क्या कहेंगी? वो कह रहे हैं कि जानबूझकर ये हो रहा है, कोई भी नहीं कर रहा। नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्रेशर किया जा रहा है, प्रेशर नहीं किया जा रहा है। कि बच्चों का ये कह रहा है कि कौन जिम्मेदारियां उठा रहा है, बच्चों का कौन जिम्मेदारियां उठा रहा है,
बच्चों को तालीम दे रहे हैं, इसको जो है अगर बच्चों की कोई जिम्मेदारी उठाए तो तुम हमारी जान छोड़ दोगे? अगर बच्चों की कोई जिम्मेदारी उठाए तो तुम हमारी जान नहीं, तब भी मैं उनका बाप हूँ, मैं कैसे बताओ कौन उठाएगा? नहीं मान रहे, अगर बच्चे खुद चाहे कहेंगे तो नहीं रहना सकते। मैम आप इनको रहने दें, ये पागल हो गए हैं, ये मेरे पति नहीं है। सीमा जी, सीमा जी एक मिनट जो कहते हैं इनको कहने दें। एक मिनट, गुलाम हैदर साहब आपने कहा, सुनिए गुलाम हैदर साहब, आपने कहा कि सीमा ने हिंदू धर्म एक्सेप्ट कर लिया है, आप ये स्वीकार नहीं करेंगे, आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस्लाम के हिसाब से। ये आपको भी पता होगा गुलाम हैदर साहब कि अगर कोई धर्म अपनाना है, अगर इस्लाम में रहना है तो भी दिल से रहना है, अगर इस्लाम छोड़कर कोई और धर्म एक्सेप्ट करना है तो भी दिल से करना है। दिल से वो हिंदू धर्म एक्सेप्ट कर चुकी हैं सीमा, अब आप कौन होते हैं फिर रोकने वाले उनको? बिल्कुल मैं नहीं रोक सकता, बिल्कुल नहीं रोक सकता। सही पॉइंट है, अच्छे सवाल है सर। जो भी है आगे बात जाएगी जी। नहीं लेकिन ये तो अभी इधर आके कह रहा है कि मैं अपने जो है ना ये करना चाह रहा हूँ, बच्चों को अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाहती है गुलाम हैदर जी, कुछ हो ही नहीं सकता। एक बेसिक सी चीज है, अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाहती आपकी पत्नी, तो फिर वो कानूनी पेचीदगियां सामने आएंगी, गलत है, कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, फिर कानून के जरिए ये बताएंगी वो की ज़हनियत नहीं है, बैंक हो गया। फिर अगर बात सुनो, ये बैंक हो गया, अभी मैं बैंक उसके लिए पूरी पूरा पूरा देश इस वक्त समझ ही नहीं रहे सर, मैम ये समझेंगे नहीं, आप बस कर दें। गुलाम हैदर जी आपके परिवार से भी लोग आपको सुन रहे होंगे, गुलाम हैदर जी आपके परिवार से जब आपकी शादी हुई तो आपके परिवार से भी लोग आपको देख रहे होंगे कि आप अपनी पत्नी के खिलाफ किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जब वो आपके साथ नहीं रहना चाहती अल्टीमेटली कानूनी पेचीदगियों में अटकेंगे, तो जब ज़हनियत नहीं है उनकी, वो तो साफ आपके सामने कह रही है उनकी ज़हनियत नहीं है आपके साथ रहने की, ये वो कह रही है। बिल्कुल भारत जाके अभी कह रहा है ना, भारत जाके अभी कह रहा है, ये सोच रहा है बता इधर इधर आ नहीं सकता, कोई कानून है नहीं, मैं से कह रही हूं भारत में, ये तो अपने हिसाब से ये सोच रहा है, अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है गुलाम हैदर साहब, आपने ये फैसला कर लिया कि नहीं आप इजाजत नहीं देंगे, अपनी तरफ से इजाजत नहीं देंगे, अब आपके पास रास्ता क्या है? पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का कानून आपको क्या करने की इजाजत देता है? कैसे आप सीमा को वापस लाने की कोशिश करेंगे बताइए? जबरदस्ती रखने की इजाजत देगा एक पाकिस्तान का कानून? अब उनको बोलने दीजिए, जबरदस्ती इनको रख सकते हैं, बताइए। मैं जबरदस्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी देखा जाएगा भारत मीडिया के थ्रू में, भारत प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को कहना चाहता हूँ कि ये पूरी गाल जो है ना बात गलत है, इसको अलग से रखा जाए, जब तक हमारा केस चल रहा है ये अलग कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में होना चाहिए, किसी हेडक्वार्टर में होना चाहिए, जब तक फैसला आए इस बात को बाद में देखेंगे। हाल फिलहाल सीमा को पुलिस कस्टडी में रखा जाए, मेरा आखिरी सवाल ये है कि ये पुलिस अलग कस्टडी में रखा जाए, ये कह रहे हैं दिक्कत ये है कि शौहर कह रहे हैं, आपके शौहर कह रहे हैं सीमा जी को दिक्कत है कस्टडी में रखा जाए, जब तक फैसला नहीं आ जाए। मैम इनको तकलीफ हुई नहीं, कोई ना महरम नहीं, मेरे पति हैं। अरे अच्छा ठीक है, सचिन आपके पति हैं, आप ये पूरी तरह से मान चुकी हैं। सचिन से मेरा एक सवाल है। बिल्कुल सचिन आपसे मेरा एक सवाल है, जब सीमा ने इलीगल तरीके से हिंदुस्तान में दाखिला लिया, वो हिंदुस्तान आई, तब तो आप उन्हें रखने के लिए तैयार नहीं थे, आपके मन में बड़ा संदेह था, बड़ा डाउट था कि मैं अपने घर में नहीं रखूंगा, फिर ये कैसा हुआ, कैसे हुआ कि आप अब सीमा को घर में भी रखने के लिए तैयार हैं और उनके साथ जीने मरने की कस्में भी खा रहे हैं, कैसे हुआ? तो सर ये क्या कहते हैं, हम पुलिस की डर से थे कि पुलिस ये वहाँ की है, तो इस वजह से डर से थे, तो बच्चों के स्कूल बंद थे तो हम कमरे पर किराए पर रहते थे, तो ये मुझसे कहती थी इनकी कि बच्चों को पढ़ने जाना है, वो करना है, तो मैं इसी सिलसिले में वहाँ पर गया था, तो वकील के पास आधार कार्ड फादर कार्ड वो सब चीज़ बनवाने के लिए, तो वहाँ के वकील ने ही पुलिस को ये सब जानकारी करी। अच्छा। अब जब सबको पता ही चल गया, हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ये सब ये हम इतने वो होंगे, यानी कि ये सब बात होंगी, सचिन ये कभी भी नहीं सोचा था, ये अब भी जा रही है सर, छानबीन जा रही है। अच्छा मुझे सचिन ये बताइए, सीमा को अभी हम सुन रहे थे, सीमा की बातों को सुनकर ऐसा लगा कि बड़ी शिद्दत के साथ वो आपसे मोहब्बत करती हैं और बहुत भरोसे के साथ वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई। सर पहली बात तो सुनो, आपकी मोहब्बत सर सुनो, भी सर सुनो, ताकत है सर सुनो, आप भी सीमा तो, से क्या उतनी मोहब्बत करते हैं? जी सर,
उससे भी ज्यादा करता हूँ मैं। सीमा से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं आप? हेलो जी जी, सुन रहे हैं हम, बोलिए। सुन रहे हैं हम जी सर। जी जी बोलिए। हम एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार हैं। मरने की बात ना कीजिए, अभी तो साथ जीने की बात हो रही है। अभी तो आप लोग जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, जिंदगी को खत्म करने की बात तो ना करें। ये किसी भी नजरिए से सही नहीं। पता चलेगा हुकूमत का, हमारा पाकिस्तान का भी हुकूमत जो एक्शन उठाएगा, भारत का भी उठाएगा। आप तो कहीं से भी बच नहीं सकते, किस हिसाब से भी। आपने जो मेरे बच्चों को दरबदर किया, मैं आपको छोड़ूंगा, है ना। नहीं हैदर साहब, एक बहुत बहुत सुनो हैदर साहब, पाकिस्तान के ये बहुत मासूमियत के साथ ये कह रहे हैं कि हमने प्यार किया। ये इनको छुपाना चाह रहा। आपको ये स्वीकार होगा कि आपकी पत्नी किसी और से प्यार करती है? चलिए ये एक बेसिक सा सवाल बता दीजिए, आपको ये स्वीकार होगा कि आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती, वो किसी और से प्यार करती है? ये स्वीकार है आपको, एक्सेप्टेड है? नहीं है, कभी भी मैं नहीं मानूंगा। सचिन आपसे सवाल यह भी है कि गुलाम हैदर जितना अपने बच्चों से प्यार करते हैं, आप वो प्यार, वो मोहब्बत क्या सीमा के बच्चों को कभी दे पाएंगे? उससे कहीं ज्यादा। देखो क्या उससे कहीं ज्यादा सर, कहीं ज्यादा बिल्कुल। अपने आप से, यानी कि अपने आप से ज्यादा ध्यान रखूंगा इनका मैं। तो सचिन आपको लगता है क्या अपने आप से ज्यादा ध्यान रखूंगा बच्चों के एजुकेशन में, स्कूल में दाखिला कराने में? जैसा कि सीमा जी कह रही थी पहले कि ज्यादा अच्छी एजुकेशन हिंदुस्तान में हो सकती है, पाकिस्तान में नहीं। क्या मैम? सीमा जी कुछ देर पहले कह रही थी कि एजुकेशन हम अच्छी देना चाहते हैं बच्चों को, जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती। अच्छा हाँ। तो आपको लगता है चुनौतियां आएंगी अब? उससे कहीं ज्यादा हम यहाँ पर देंगे मैम। हाँ आएंगी, पर उससे हम कोशिश करेंगे खूब, यानी कि अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। ठीक है, ये मोहब्बत में आपका जो जज्बा नजर आ रहा है, चिंता ना करें, मैं अपने आप से भी ज्यादा ध्यान इन बच्चों का रखूंगा। ठीक है, आप कह रहे हैं अपने से भी ज्यादा ध्यान आप बच्चों का रखेंगे, लेकिन सीमा आपको नहीं लगता कि गुलाम हैदर साहब जो बातें कह रहे हैं उनके भी इमोशंस का थोड़ा सा ध्यान रखा जाना चाहिए? क्योंकि कोई भी बाप अपने बच्चों को अपने से दूर जाता हुआ नहीं देख सकता, ये भी तो हकीकत है। तो इनके पहले दो बच्चे हैं सर। पहले दो बच्चे हैं तो उनसे प्यार कर ले, उनके साथ रह ले। मतलब आप आपकी दूसरी शादी, दूसरी शादी की क्या? जी मैं दूसरी पत्नी। गुलाम हैदर साहब सही है ये बात? जी जी हाँ, मेरी पहली घरवाली को भी इसने तलाक दिलवाया कि हम अच्छे से रहेंगे, इसको आप छोड़ो। वो मेरा एक बेटा है, एक बेटी है, वो जब मैं खुद को नहीं दिलवा सकती तो किसी और को क्या कहां से दिलवाया। अच्छा यानी आप ये कह रहे हैं कि पहली बीवी को आपने सीमा से शादी करने के लिए दो बच्चों का ध्यान रखो? एक मिनट गुलाम हैदर साहब, आप ये कह रहे हैं नहीं कि सीमा से शादी करने के लिए आपने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दिया? नहीं, शादी के बाद भी शादी किया, 6 महीने रहने के बाद सीमा ने बोला कि बच्चों को तलाक दो, हम अच्छे से रहना चाहते हैं, कि आप ये मुझे कराची से जकमाबाद भी नहीं छोड़ रहा था, बोलता मेरे साथ रहो साथ रहो, आखिर इसने बोला कि इनको तलाक दो, इसी का ही कारण है इसका। वो भी जिम्मेवार सीमा है, मेरे बच्चों को घरवाली को तलाक दिलवाया और मेरे ना अम्मा को आने देता था ना अप्पा को, भी भाई मैं ठीक से रह रहा हूं, ठीक हमसे कोई चिंता नहीं है। सीमा जी कुछ कहना चाह रही हैं? सीमा जी मेरी बात सुनिए अब। सीमा जी यानी उन्होंने अपनी पहली बीवी को आपके लिए छोड़ दिया और आप उन्हें छोड़कर सचिन के साथ रहने के लिए आ गई? मेरे लिए नहीं सर जी, मेरे लिए नहीं छोड़ा। मेरी बात सुने, इनकी पहली पत्नी ने खुद इनसे तलाक ली थी, पहली बात। दूसरी बात, इनकी जो बेटी है बिचारी, वो बच्ची है, वो बिक चुकी 2.5 लाख में। पूछे ये झूठ कह रही हूँ मैं? इनके पापा ने दी के ना दी पैसों से 2.5 लाख में, पूछे इनसे। बच्ची को बेचा गया है ये, क्या मैं झूठ कह रही हूँ? ढाई लाख कौन बेचता है? कौन बेचता है बच्चों को? बच्चों को कौन बेचता है? सीमा जब कह रहे हैं कि हैदर ने बच्चों को भेज दिया, रिश्ते के तौर पर नाम होता है, नाम ये कहते हैं। कल ऐसे बोलता ना मेरे बच्चों को भेज दिया, झूठी बोल रहा हूँ, आरोप लगा रही हूँ। बाबू मैं व्यापारी नहीं हूँ, पापा यहाँ आरोप लगा रहे, बेटी का रिश्ता नहीं है। बात हो और आवाज से करो और सही करो, कह रहे हैं। कल भेजूंगा, कल ऐसा बोलूंगा मेरे बच्चों को भी भेजता है। नहीं कल ऐसा भी बोलेगा मेरे बच्चों को बेचता, इसलिए मैं चला गया।
तुमने नहीं बेचा। अच्छा सीमा जी, सीमा जी ये बताइए कि जब आपकी गुलाम हैदर से शादी हुई तो कितने सालों तक आपकी जिंदगी अच्छे से चली? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों का जो रिलेशन था वो खुशनुमा कब तक रहा, कब रिश्तों में दरार आनी शुरू हुई? खुशनुमा सर, जब मेरी इनसे शादी हुई तो मैं जिंदा नहीं थी, क्योंकि जो मैं चाहती थी मुझे नहीं मिला। फिर जब मेरा बेटा हुआ तब मैं मुझे मतलब खुश में नहीं रहने लगी। जब मेरा पहला लड़का हुआ कि मुझे लगा कि मुझे जीने की वजह मिल गई। लव मैरिज नहीं था, मजबूरी की शादी थी, जबरदस्ती। अगर कोर्ट में साइन वाली शादी है तो ये लव मैरिज नहीं है। लव मैरिज नहीं, तुम खाओ, तुम्हारे तुमसे शादी कर रही मैं। लव मैरिज नहीं था, ये चार बच्चे ऐसे ही आए। हम बस सीमा भी आपको मैं क्या बोलूं, आप कब तक झूठ बोलोगे? कानून के गिरफ्त में आ चुका है, तुम बोलो। पूरी तरीके से फंस चुका है तुम। मैं झूठ नहीं बोल रही, याद करना। ओके आ गए, सच हो गए। हाँ ठीक है, हिंदू मुस्लिम भाई हो कोई भी हो, बिल्कुल होता है, पूरा फंस चुका है, पूरा फंस चुका है तुम। हाँ बिल्कुल, कभी भी, बिल्कुल ठीक है तुम्हारे कहने से। ओके होता है, हिंदुस्तान हो पाकिस्तान हो, जी जी। अच्छा एक तो हम कोशिश आपसे आप दोनों से अपील करेंगे कि आप दोनों ही एक दूसरे को सुन सकते हैं, तो एक बार में ही अपनी बात रखिए ताकि आप एक दूसरे से बात भी कर सके और जो दर्शक आप लोगों को सुन रहे हैं वो सलीके से आप दोनों की बात को सुन सके। ठीक है गुलाम साहब, एक एक करके गुलाम जी एक मिनट। हाँ सीमा आप अपनी बात कहें, गुलाम साहब फिर आपकी बारी। ठीक है सीमा कहें। मैम जब हैदर ने अपनी पहली बीवी को तलाक दी, चलो मानते हैं थोड़ी देर के लिए मेरे कहने से, इनको बोलने का मत कहिएगा, दी तलाक ना और अपने बच्चे अपने मम्मी पापा के पास रखे ना, तो जब उन बच्चों का फ्यूचर नहीं सोच रहे, उन बच्चों का भविष्य नहीं सोच रहे, तो मेरे बच्चों का भविष्य क्यों सोच रहे? क्योंकि मैं इंडिया और हिंदू से शादी कर बैठी हूँ, इसलिए वो भी तो दो बच्चे इन्हीं के हैं ना, उनकी माँ भी चली गई, तो उन बच्चों का ध्यान नहीं रख रहे, तो मेरे बच्चों का ध्यान कैसे रखेंगे? मतलब इसलिए कह रहे हैं, ये आपको फंसा रहे हैं, मुझे फंसा इसलिए क्योंकि मैं सचिन से शादी कर चुकी हूँ, हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ, इसलिए। तो सीमा आप ये कह रही हैं कि इज्जत पे बात आ गई, आपके साथ जो बच्चे आए हैं इसके अलावा गुलाम के दो और बच्चे हैं जो उनके साथ रह रहे हैं, सीमा आप ये कह रही हैं? दो बच्चे हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल, बीच में नहीं लेके आओ, इनके मम्मी पापा दादा दादी के पास रह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का नाम नहीं लो आप, हो सिर्फ अपने पे बात लेके। मैं तुम्हारे साथ हैदर, एक बात की हजार बात, मैं तुमसे कह रही हूँ मैं तुम्हें कानूनी डिवोर्स दूंगी। अरे मैया, ठीक है हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, इसलिए कह रहे हैं। कुछ सवाल जो है वो आपको लेकर पूछे जा रहे हैं और मैं चाहूंगी कि आप चूंकि दर्शकों के बीच है तो आप इन सवालों का भी जवाब दें। आपको लेकर ये सवाल पूछे जा रहे हैं, आप पर जासूसी के भी आरोप लगाए जा रहे हैं, आपके पास ऐसे क्या सबूत है कोई? ये जो तमाम आरोप आप पर लग रहे हैं उसका आप क्या जवाब देना चाहेंगी कि आप जासूस है नहीं है? जासूस नहीं मैम, नहीं मैम, मैं मतलब नॉर्मल थी, मिडिल क्लास फैमिली हूँ से बिलोंग करती हूँ, कि मैं ज़्यादा हाई फाई नहीं, ना मैं इतनी मेरी एजुकेशन है इतनी, ना हम कभी ऐसे घर से बाहर निकलते हैं क्योंकि ऐसे लोग हमें आज़ादी की ज़िंदगी जीने नहीं देते, क्योंकि ये नहीं थे तो थोड़ा बहुत मैं सुकून से रह रही थी। जब तक ये थे तो हमारे मोहल्ले में भी ये था कि चिल्लाने और चीखने की आवाज़ आती थी क्योंकि ये मुझे मारते थे। हमारी लड़ाई हफ्ते में एक दिन लड़ाई हमारी ज़रूर होती थी, मार पिटाई होती थी हमारी, और इनके साथ मैं नहीं रहना चाहती। और हैदर से भी रिक्वेस्ट है, भले चिल्लाएं, ये ज़बरदस्ती मुझे नहीं रख सकते। मैं हैदर से भी रिक्वेस्ट करती हूं, मारपीट भी होती थी कभी, आपने उनको बड़ी आला तालीम दे। कभी आपने गुलाम हैदर के खिलाफ कहीं शिकायत की जब आपके साथ ये हिंसा करते थे, मारपीट करते थे? नहीं मैं सर, वह नहीं की जा सकती, इनको नहीं की जा सकती, वहाँ पे नहीं की जा सकती। मैं इनसे एक महीना दूर रही, तलाक के लिए बहुत करा पर उन्होंने मुझे तलाक नहीं दिया। तो तुम्हारे कहने से होगा, तुम कहोगे तो ये है तो वो होगा। तो गुलाम हैदर आप मारपीट करते थे? नहीं भी होगा, फिर भी मैं अब कह रही हूँ बिल्कुल करते थे। आप कानून के गिरफ्त में आ चुके हो, ये सारे सबूत बेबुनियाद हैं। ओके बाबा फंस चुके हैं, ओके ओके, और बताओ पागल हो गया, दिमाग खराब कर दिया।
सीमा देखिए, मैं आपको फिर से कह रही हूँ, एक बार फिर से आप दोनों से अपील करूंगी कि एक बार में अपनी बात कहे। मैं सीमा आपसे सवाल कर रही थी और मैं चाहूंगी आप पहले उसी का जवाब दें, फिर हम तमाम सवालों का जवाब लेंगे। और आप अपनी बात कह भी रही थी कि आप पर जो आप जब यहाँ आई तो सबसे पहले सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए कि कैसे इतना सब कुछ हो गया और हमें पता तक नहीं चला। आप पर जासूसी के तमाम आरोप लगने लगे कि आप पाकिस्तान की कहीं एजेंट तो नहीं है जो भारत में इस तरीके से दाखिल हो गए जी, तो उसको लेकर क्या आपके पास सबूत है, क्योंकि आप पर आरोप बहुत संगीन लगाए गए। यस मैम, लगाया गया आरोप और ये मेरी जांच भी चल रही है। मेरे पास सारी चीज़ें हैं, सब पासपोर्ट हैं, सब कुछ हैं, हम दोनों की भी जो हम दोनों बात कर चीत करते थे वो चीज़ें हैं, और कॉल हिस्ट्री निकाली गई, मैंने अपने फ़ोन नंबर सारे इनको दे दिए हैं, और जो चीज़ें नहीं भी हैं वो भी सामने आ जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इनकी प्यार में आई हूँ और यही हकीकत है, और मुझे लगता है और यकीन भी है कि यही हकीकत सामने आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात हैदर की मैम, तो हैदर से मैं रिक्वेस्ट फिर से करूँगी कि अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, अपने उन दो बच्चों के फ्यूचर सोचें, मेरे चार का मत सोचें, उन दो का फ्यूचर सोचें। मेरे चार का सचिन ने फ्यूचर सोच रखा है, हमने सोच रखा है मिलके अपने वो दो बच्चे संभाले। हाँ हैदर ने कई बार मुझे कहा, शर्म में डूब मरने का मकान है, शर्म से डूब मरने का मकान है, मेरे चार बच्चे क्या कह रहे हैं जी, ये सचिन के हो गए। इसके कहने से कोई कोई हिंदुस्तान का हुकूमत मुझे बताए, कोई भी किसी मुल्क का कानून मुझे बताए कि ये सचिन के हो सकते हैं, तो हम मैं इस बात पे फिर गौर करूंगा। कोई भी सकते हैं, क्योंकि मैं राजी हूं, मैं एग्री हूं, हो सकते हैं, मतलब में कोई भी हो सकता है, तो बताएं ये कानून। नहीं सीमा, एक चीज बताइए, क्या आपको इस बात का कहीं भी अभी डर है क्या कि पाकिस्तान वापस ना जाना पड़े, मतलब ऐसा कहीं दिमाग में है? ये तो दावा कर रहे हैं गुलाम की पाकिस्तान वापस आएंगे, ये चाल चलेगा, मेरे कभी भी नहीं जाऊंगी, ना मुझे डर भी है। हाँ ये पाकिस्तान से नई नई चाल चलेंगे मुझे पता है, तो चलने दें, मुझे भरोसा है कि मैं ऐसा कोई गलत काम मैंने नहीं करा। और रही बात, कभी भी नहीं आऊंगी, पाकिस्तानी का पाकिस्तान का भी कानून ये है कि 18 साल से बड़ी लड़की अपना फैसला ले सकती है, और मैं अपना फैसला ले चुकी हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। सीमा, ये बात हिंदुस्तान और पाकिस्तान की है, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, हिंदुस्तान के जो नियम कायदे हैं, पाकिस्तान के जो नियम कायदे हैं, क्या उसके बारे में आपने बात की है? दे रहे हैं। बिल्कुल सर, पाकिस्तान में नियम तो पता है मुझे, और वही मैं हैदर को बता रही हूँ, हैदर मुझे धमकी दे रहे हैं। हैदर एक मिनट के लिए चुप हो जाइए, आप एक मिनट के लिए चुप हो जाइए, आपसे जब कहूंगा तब बोलिएगा। हैदर एक मिनट के लिए चुप हो जाइए, आप जरा सीमा सीमा को सुनने, हमें सीमा को सुनने दें आप। गुलाम हैदर एक मिनट के लिए चुप हो जाइए, सीमा बोलिए। जी सर, क्या ये मुझे जबरदस्ती रखेंगे सर, जब मैं इनके साथ रहना नहीं चाहती? कोई भी कानून किसी को साथ जबरदस्ती रखेगा? जब मैं इनके ये सारी जिंदगी अगर मुझे जिंदा भी रखेगा, क्या ये मुझे सचिन के लिए मारपीट नहीं करेगा? जब फोन पे अगर कोई गलती होती थी, कॉल कट जाती थी, मैं कहीं से दोस्त सहेली के घर चली जाती थी, इनसे पूछा मुझे कितना जलील करते थे, जब फोन पे जलील कर, आज मैं हिंदू से शादी कर बैठी हूँ, हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ, क्या ये चीज मुझे छोड़ देंगे? मुझे एक पल के लिए भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे सर, सिर्फ पाकिस्तान ले जाने के लिए साजिश की जा रही है, और मैं कभी भी नहीं जाऊंगी, मरूंगी भी पाकिस्तान जाके, मरने से अच्छा है मैं हिंदुस्तान में। तो आप मानती हैं कि पाकिस्तान जाना मतलब प्यार करते हैं, फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में, आप ये कह रही? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, यहाँ वहाँ जहाँ हैदर का खानदान रहता है वहाँ कानून भी नहीं चलता, ठीक है? पाकिस्तान को गुलाम, अब आपने सुना सीमा जो तमाम बातें कह रही हैं, उन्हें डर लगता है, वो वापस नहीं आना चाहती है, और आप भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि आप तलाक नहीं देंगे आप जी, लेकिन वो जो अपनी बात कह रहे हैं आप उसे पूरी तरीके से डिनाई कर रहे हैं। नहीं देंगे तलाक, मैं इसको बुलाऊंगा अपने घर, अपने साथ ठीक से रखूंगा इसको, कोई कोई कुछ भी नहीं कहेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ सीमा को। आप मैं कभी भी नहीं आऊंगा, सब बातें ये जो तुमने किया, मैं कभी भी नहीं आऊंगा, कभी भी नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ, कभी भी नहीं, सोचो भी मत, लगाओ दिमाग से निकाल दूंगी, हम कभी साथ रहेंगे, जबरदस्ती रिश्ते नहीं करेंगे। गुलाम, लेकिन एक चीज जो बार बार वो कह रही है कि उनकी जान को खतरा है, और आप जहाँ रहते हैं वहाँ कोई कानून काम नहीं करता है, भला अगर किसी को डर लगे तो वो वापस क्यों जाएगा, अपनी जान जोखिम में कोई क्यों डालेगा? सवाल यही है, अगर आपको कहीं जाने पे खतरा होगा तो आप क्यों जाएंगे, आपको कौन कहेगा कि आप वहाँ जाएं? गुलाम आना, इसको अभी जी, इसको अभी थोड़ा डर इसलिए लग रहा है कि मैंने गलत किया, मेरे साथ क्या होगा, वाकई गलत तो इसने किया, ये तो पूरी दुनिया और मीडिया सारा बता रहा है, कोई भी अच्छा काम तो इसने किया नहीं, इसलिए ये कह रहा है।
और मैं इसको माफ करूंगा। अब मेरा घर वाली है, इसका मुस्तकबिल मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं इसको अपने साथ ठीक रखूंगा। सीमा, क्या भरोसा है, विश्वास है आपको ये जो कह रहे हैं कि सही से रखेंगे, ठीक से रखेंगे, गलत किया है लेकिन माफ कर दूंगा, ये बातें कह रहे हैं सीमा? सर, मैं इनके साथ कभी भी नहीं रहना चाहती। मैं सचिन की पत्नी हूँ, मैं हिंदू धर्म में हूँ, मैं हैदर की पत्नी नहीं हूँ। कल जो मेरे साथ लाइव आए थे पाकिस्तानी, उन्होंने भी कहा था, उन्होंने भी, मैं नहीं रहना चाहती सर, आप इनकी, मैं नहीं, मेरी शुरू से लेकर अब तक यही बात है, मैं भारत में रहूंगी, भारत में ही रहेंगी, हिंदू धर्म अपना लिया, नहीं जाऊंगी, मेरी एक ही बात है। लेकिन गुलाम, क्या आप करेंगे? आप मान लीजिए आप तो बाहर हैं, सीमा हिंदुस्तान के अंदर हैं, हिंदुस्तान की पुलिस है, हिंदुस्तान का कानून है, अब वहां बैठ के आप क्या करने वाले हैं? अदलिया, अदलिया तो है ना, हुकूमत तो है ना, मैं गरीब हूँ, मेरा कोई नहीं है, चलो एक बार मान भी लेते हैं, सीमा बच्चों को भी लेकर गया और मेरा घर भी बेच के गया, पैसे भी लेके गया, मैं गरीब हूँ, मेरा कोई ना सुने, अदलिया हुकूमत तो है ना, ठीक है, कोई आरोप मुझे लगा है, अदलिया से तो मुझे उम्मीद है ना, भारत से, पाकिस्तान से, दोनों हुकूमत, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सीमा, एक सवाल आपसे है मेरा, सीमा आपसे एक सवाल है, अब ये सवाल पूछा जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में कि आप सचिन की प्रेमिका हैं या जासूस हैं, क्या आप हमें कुछ ऐसी बात या कोई ऐसा सबूत बता सकती हैं जो ये साबित करता हो कि आप जासूस नहीं है, आप पे जो शक है वो गलत है, कोई ऐसा एविडेंस या कोई ऐसा सबूत है आपके पास? डेढ़ घंटा हो गया आप यहाँ पे खड़े हो। सबूत मतलब सर, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पासपोर्ट रियल हैं, सब कुछ हकीकत है, और जो मैं हूँ मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं ज़्यादा कोई हाई फाई फैमिली नहीं हूँ, ऊपर जो एजेंसी हैं वो फिर भी लगी हुई हैं, जो भी सच होगा सर सामने आएगा, मैं सिर्फ इनकी मोहब्बत में आई हूँ, इसके अलावा मेरा कोई नहीं था। और दूसरी बात कि ये कह रहे हैं 3 लाख 5 लाख 50 लाख, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मैंने अपने 10 लाख में, मेरा कहना है कि सिर्फ पासपोर्ट है या कुछ और भी आप बताना चाहेंगे जिससे ये साबित हो कि आप जासूस नहीं हैं, पासपोर्ट के अलावा और क्या बताना चाहेंगे? मेरा आईडी कार्ड है, मेरा आईडी कार्ड है, वैक्सीन कार्ड है, मेरे पापा के आईडी कार्ड की कॉपी है, मेरे बच्चों के जो सर्टिफिकेट हैं, जो पैदाइशी वो भी हैं, सब कुछ, सारे कागज पूरे हैं सर। क्या आप एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स भी लेके आई हैं अपने? बाकी सिर्फ ये है, अपनी पढ़ाई लिखाई के भी सबूत लेके आई हैं? मैं पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं हूँ सर, मैं पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं हूँ सर, स्कूल हम नहीं गए, ट्यूशन में पढ़ी हूँ, 5 तक ही मतलब समझ में पढ़ी लिखी, ज्यादा आप पढ़ी लिखी नहीं, पांचवी तक पढ़ी हैं आप ये कह रही हैं? पांचवी भी नहीं है, कुछ भी नहीं, पांचवी का कोई है, पांचवी पढ़ा हुआ है, ये ऐसे देखते के। अच्छा चलिए, ये सवाल मैं हैदर से ही पूछ लेता हूँ। हैदर, क्या आप ये कंफर्म करेंगे कि सीमा पे जो जासूस होने की बात कही जा रही है वो गलत है, ये तो आप कंफर्म कर पाएंगे कि ये सही है गलत है, क्योंकि भारत में इस बात पे जांच चल रही है? सर, जब मुझे ही पता नहीं था, सर जब मुझे ही पता नहीं था तो मैं कैसे बोलूं कि ये पता नहीं, नहीं, नहीं आप तो अभी दावा कर रहे हैं कि आप तो सब कुछ जानते हैं, शुरू से जानते हैं। मलीर कैंट में जहाँ हमारा घर है, यहाँ हमारा घर है मलीर कैंट में, मेरा एक रिपोर्ट दर्ज करवाई, वो भी मैं मीडिया पे दिखाया है और भी दिखाऊंगा कि ये कहते हैं 2019 से संबंध में नहीं था, वो रिपोर्ट दर्ज करवाया कि सीमा इस दिन से घर से। आप चाहते हैं गुलाम किसी भी कीमत पर सीमा आपके पास वापस आ जाए, तो आपको कुछ तो पता होगा सीमा के बारे में कि सीमा जासूस है नहीं है? मेरे घर वाली है, मेरे बच्चों का भी, यही तो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं ना कि जो उन पर आरोप लग रहे हैं कि वो जासूसी करने भारत आई है, आप क्या मानते हैं वो जासूस है या नहीं है? नहीं, मैं तो जासूस उसको नहीं कह सकता, यही हम पूछ रहे हैं। जी जी जी, मैं तो जासूस उसको नहीं कह सकता। तो आप भी ये कह रहे हैं कि दिल में है वो, सीमा तो देखिए अल्लाह जाने, सीमा गुलाम भी कह रहे हैं कि आपको वो जासूस नहीं कह सकते, कम से कम एक कोई बात पे जिस पे दोनों लोग आप लोग अग्री हैं, ये पहली बात है सीमा जिस पे वो आपसे इत्तफाक रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सीमा जासूस नहीं है। सर मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ सर, मैं इनकी मोहब्बत में आई हूँ, यही हकीकत है, और एंड भी इसी बात पे ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इनके प्यार में आई हूँ, और मैं सचिन तो की हूँ, सचिन की। सीमा अब आगे क्या करने वाली हैं? सीमा के आगे क्या करने वाली? सीमा जिंदा नहीं चाहती। सीमा अब ये सारी चीजें हो गई, आप जाना नहीं चाहती, आप यहाँ रहना चाहती हैं, सचिन आपके साथ हैं, अब आगे क्या करने वाली?
आगे यही है कि यहाँ का जैसे नागरिकता मिल जाएगी, मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे, धूमधाम से हम शादी करेंगे। आज हम गंगा नहाने जा रहे थे, ना जा सके क्योंकि इतनी मीडिया घरी हुई है मेरे ऊपर, चारों तरफ मीडिया ही मीडिया है, तो नहीं जा पाए। कल सुबह ही हम चले जाएंगे, गंगा नहाएंगे, धूमधाम से शादी करेंगे। और जब मैं हिंदू धर्म में आ गई हूँ तो पाकिस्तान की वो एक आदमी थे, वो लाए आए थे मेरे, वो भी कहते अगर आप मुसलमान हो तब हैदर की बीवी हो, अगर हिंदू धर्म में आ गए आपको आपका तलाक समझो हो गया, क्योंकि हिंदू धर्म में आने के बाद निकाह नहीं माना जाता। तो मैं हैदर सचिन की ही पत्नी हूँ, हैदर से मेरा कोई हैदर क्या इंडिया आने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं आप फिर भी हैदर से मैं रिक्वेस्ट हैदर क्या इंडिया आने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं आप सीमा से मिलने? जी सर, मैं हर आला अदारों तक जाऊंगा, पाकिस्तान जी वजीर आजम को, वफा की वजीर है बिलाल साहब को, असम्बली दरदारी साहब को, और भारत की सरकार को कि इस बात को गौर किया जाए, नरेंद्र मोदी सरकार को और योगी सरकार को, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर दोनों को मैं अपील करता हूँ हाथ जोड़ के। इस मामले गुलाम, इस मामले में आप सिर्फ अपील करेंगे या फिर आपका भारत आने का, पाकिस्तान वापस लौटने का कोई प्लान है? कैसे आप आगे बढ़ाएंगे इस मामले को? आप कह रहे हैं आप चाहते हैं सीमा आपके पास वापस आए। जी यहाँ इसको देखेंगे कि क्या हो रहा है आगे। जी जी, जैसे बात आएगी फिर आगे आप लोगों को हम शेयर करेंगे, तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक। सीमा, यही सवाल आपसे कि अगर हैदर इंडिया आ गए आपके आमने सामने बैठकर बात करने के लिए, फिर क्या करेंगी आप? आपका जवाब क्या होगा? तभी मैं इनसे तलाक, तभी तो तब तो और अच्छा होगा, मैं सामने बैठ के इनसे डिवोर्स ले लूंगी। अगर ये नहीं मान रहे कि डिवोर्स मुसलमानी डिवोर्स नहीं मान, भारत से भी आऊंगा, भारत से भी आऊंगा, उनको गुजारिश करूंगा। तुम किसी और की पत्नी को नहीं ले जा सकते बगैर उसकी मर्जी के, जब मेरी मर्जी है नहीं। सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, जब तक केस को जांच किया जा रहा है, सीमा को अलग रखा जाए। ये मैं मोदी सरकार को, योगी सरकार को, दोनों को हाथ जोड़ के नहीं करता हूँ, जब तक ये केस नहीं, कभी भी नहीं, इनको अलग कभी भी नहीं। नहीं क्या तेरे कहने से होगा क्या? हुकूमत को कह रहा कहीं भी नहीं क्यों रखा जाए? मैं अपने पति के साथ खुश हूँ, कह रहा हूँ सीमा। सवाल बच्चों का भी है, बच्चों के ऊपर हैदर भी अपना हक बता रहे हैं। सीमा, बच्चों के ऊपर हैदर भी अपना हक बता रहे हैं, कह रहे हैं कि बच्चों पर उनका भी हक है। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है जी। अगर मेरे बच्चे हैं इनके पास नहीं जाना, क्यों उनके दो बच्चे हैं उन पे हक क्यों नहीं जता रहा, उनके पास क्यों नहीं जा रहे, उनको क्यों नहीं पढ़ा रहे, उनको क्यों नहीं पैसे दे रहे? क्या ऐसे बाप होते हैं? वो बच्चों के पास जाए ना पहले, तो वो बच्चों के पास क्यों नहीं जा रहे? लेकिन अभी अभी जो बच्चे बच्चों का ध्यान नहीं रख सकता, अभी जो बच्चे हैं उन पर वो अपना हक बता रहे हैं कि वो बच्चे मेरे भी हैं। जब उन बच्चे, हाँ इनके भी हैं, पर बच्चे जब तक बड़े नहीं हो जाएंगे इनके पास नहीं जाएंगे, और ना ही बच्चा, हाँ बच्चे की मर्जी से पूछ लें, बच्चे अगर जाना चाहते मैं मना नहीं करूंगी बच्चे इनके पास जाएं, अगर बच्चे नहीं जाना चाहते तो जबरदस्ती कोई नहीं। नहीं, आप ये कह रही हैं कि अगर बच्चे उनके साथ जाना चाहेंगे तो आप जाने देंगी, आप ये कह रही हैं? हाँ मैं जाने दूंगी बिल्कुल सर, अगर मेरे बच्चे मेरे बगैर रह सकते हैं, इनके साथ रहेंगे और ये ध्यान रखेंगे, खुश रखेंगे, तो मैं मना नहीं करूंगी, ले जाए बच्चे, पर मैं तब भी नहीं जाऊंगी। हैदर, सुना आपने मुझे और लगता बच्चे है। दूसरी बात सर, जी, जी, बच्चे इनके साथ प्यार नहीं करते हैदर, बच्चों को लेकर आप प्यार नहीं करते। सीमा साफ कह रही है, जब माँ कह रहे हैं, माँ ने पट्टी पढ़ाया 2 महीने, ठीक है, बच्चों का मैं कुछ भी बात नहीं करना चाहता, बच्चे बच्चे मासूम हैं, उनको ऊपर कोई जोर नहीं है कि हाँ उनमें क्या पता कि अभी हिंदू धर्म में मुस्लिम धर्म में ये मुझे बच्चों को मैं ना आऊंगा और गंगा लेके जाऊंगा, ये इसको बड़ा ये सजा होना चाहिए। हैदर, आपको बच्चे अपने कैसे बोल सकता है ये? आपको अपने बच्चे गंगा नहा सकता है ये? हैदर, आपको अपने बच्चे चाहिए कि नहीं चाहिए? ये तो छोटे, हमको ये पता भी नहीं है, हम हिंदू धर्म में हम मुस्लिम धर्म में है, ये बच्चे कैसे, आप बताइए। नहीं, वो बात सही है कि बच्चों को ये, आपकी बात सही है, लेकिन क्या आपको बच्चे चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि सीमा तो कह रही है कि अगर बच्चे जाएंगे तो अच्छी बात, अगर वो ध्यान से रखे तो ले जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, ये भी आएगी, बच्चे भी आएंगे, मैं तो सीमा मेरा घर वाली नहीं, कैसे छोड़ सकता हूँ? नहीं, क्योंकि अब तक आप टीवी 9 से जब तक बात कर रहे थे, आप इस बात को लेकर काफी ज्यादा दुखी थे, आहत थे कि मेरे बच्चों को ले गई सीमा और मुझे बताया तक नहीं, मुझे पता तक नहीं चला। अब सीमा ये कह रही है कि अगर बच्चे आपके साथ जाना चाहेंगे तो वो रोकेंगी नहीं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपका क्या रिएक्शन? नहीं रोकेंगे नहीं, बच्चे तो आएंगे ही आएंगे, सीमा भी आएगा, बच्चे तो आएंगे ही आएंगे, कोई भी कानून नहीं कह सकता कि बच्चे उनके साथ रहें, ये तो देख क्लियर है।
ये तो क्लियर बात है, बाकी सीमा भी आएगा जो हाँ, इसके कोई सजा है भारत सरकार से? अगर सीमा की जगह सजा मुझे दे, सीमा को आजाद, भारत सरकार का कानून भारत के लोगों पे ही लागू होता है हैदर साहब, सजा दे हैदर साहब, भारत का कानून भारत के लोगों पर लागू होता है। अभी सीमा की नागरिकता भारत की नहीं है। मैं तैयार हूँ, मैं आऊंगा, मैं जेल काटूंगा, बच्चों को बोलूंगा तुम जाओ पाकिस्तान। अगर इसको सजा हो रहा है सर आंख उठे, इसको हम भारत की सरकार का हर चीज मानते हैं, अगर इसको सजा है तो बच्चों को हमारे को सीमा करे, जब तक सीमा का सजा। सीमा आप सुन रही हैं, वो कह रहे हैं कि भारत सरकार कानून के हिसाब से काम करे, आपके ऊपर भारत सरकार का अभी कानून लागू नहीं हुआ, कम से कम शादी ब्याह या तलाक के मामले में। तो फिर ये कैसे तय होगा? अगर मुझ पर कोई क्राइम होता है जी, ठीक है सर, ये इनकी चाल आप समझ नहीं, सिर्फ मुझे बुलाने के लिए सब कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे। दूसरी बात, अगर मुझ पर कोई होता है, अगर बच्चे इनके पास अभी भी देखें, इनको दिक्कत यही है कि मैं सचिन के साथ हूँ और ये सब हो रहा है, इनको इसी बात से दिक्कत है और किसी बात से दिक्कत नहीं है, आप समझ नहीं रहे। मैं समझ रही हूँ, मैं जानती हूँ। जब तक केस की सुनवाई नहीं आ रहा है, पुलिस की कस्टडी में होना चाहिए, जो सरकार बोलेगा हम मान लेंगे, पुलिस के कस्टडी में कम से कम होना चाहिए। केस क्लियर हो गया है, एक चीज रहती है बस, कन्फर्म होना रहता है। ठीक है गुलाम हैदर, गुलाम हैदर आप अपनी बात कह रहे हैं, सीमा भी अपनी बात कह रही है, अभी तक की बातचीत में एक ही चीज निकली है, सीमा पाकिस्तान नहीं जाना चाहती और हैदर चाह रहे हैं कि सीमा बच्चों के साथ पाकिस्तान आए। अब देखना होगा इस पूरे मामले में आगे किस तरीके से, ठीक है, लेकिन वो तैयार नहीं है। देखिए कुल मिलाकर बात यही है कि वो अभी तैयार तो नहीं दिखाई दे रही हैं, नेशनल टीवी पे वो साफ कह रही हैं कि वो पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए सीमा हैदर सच्ची प्रेमिका या पाकिस्तान की जासूस, ये बहुत बड़ा सवाल है, और सीमा और सचिन की